आज हम सीखेंगे प्योर रोलिंग में एक्सेलरेशन वगैरह कैसे निकालते हैं, बट उससे पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं कि आपको रोलिंग का कंसेप्ट याद है या नहीं, ठीक है? उसके बाद फिर एक्सेलरेशन वाली चीज आपको कराते हैं। एक एग्जांपल करके बताऊंगा। हां बोलो बेटा। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या बोन? हां सेंटर ऑफ ग्रेविटी करवा देता हूं, अभी तुरंत करवा देता हूं। ये मतलब पहले एक टॉपिक कंप्लीट करें बेटा, उसके बाद फिर करेंगे ना, बीच में नहीं करते उसको, ठीक है? ठीक है, एक टॉपिक कंप्लीट कर लेना, जो फिर हैबिट लगेगा, इधर सीक्वेंसिंग उल्टा पुल्टा दिखेगा। ये एग्जांपल आप सभी ट्राई करेंगे पहले। मुझे आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है कुछ? नहीं सर, ब्लैक हो गया है। बाकी सबको भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, दिख रहा है। आप एक बार लॉग आउट करके फिर से वापस से लॉग इन कर लो, सर दिखने लगेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को जब नहीं दिखता तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे टॉप मोस्ट प्लैंक जो है उसकी वेलोसिटी v1 दे रखी है, और बॉटम मोस्ट प्लैंक जो है उसकी वेलोसिटी मैंने आपको v2 दिखा रखी है, ठीक है? एंड गिवन है v2 ग्रेटर देन v1, v2 इज ग्रेटर देन v1, और इस ऑब्जेक्ट की रेडियस r है, एंड प्योर रोलिंग हो रही है गिवन है, ठीक है? प्योर रोलिंग टेक्स प्लेस, प्योर रोलिंग जब भी कह रहे हैं इसका मतलब कहीं स्लिपिंग नहीं होगा। आपको पूछा है फाइन पहला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर कितनी होगी, और दूसरी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा ऑफ स्फीयर। जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी करो। ट्राई किया सभी ने? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। मैं करूं? अच्छा पहले आप ये बताओ कि ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, क्योंकि लोअर मोस्ट का पॉइंट का वेलोसिटी देखो ज्यादा है, लोअर पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा है और ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी कम है, क्योंकि प्योर रोलिंग का मतलब तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप नहीं करेगा, तो स्फीयर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी आपको पता है, सॉरी उसकी वेलोसिटी आपको पता है, दिस इज v1, एंड जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी भी वेलोसिटी आपको पता है, दैट इज v2, ठीक है? ये आपको पता है v2 है। तो एक चीज देखो, अगर ऐसे सोचो आप, अगर मैं सेंटर की वेलोसिटी को कुछ एक वी मानता हूँ, सेंटर का वेलोसिटी हमने कुछ एक वी मान लिया, दिस इज वी, तो इस केस में आप ओमेगा अगर क्लॉकवाइज चूज करोगे तो नीचे का पॉइंट का वेलोसिटी घटेगा या बढ़ जाएगा? क्लॉकवाइज चूज करने पे घट जाएगा ना, क्योंकि वी माइनस ओमेगा होगा, जबकि आपको तो नीचे में ज्यादा चाहिए, इसलिए आपको ओमेगा तो चूज करना पड़ेगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज चूज करना पड़ेगा। अगर आप ओमेगा क्लॉकवाइज चूज कर ले तो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने का मतलब आपका जो डायरेक्शन चोजन है उससे उल्टा है, ठीक है? बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको समझ आ रहा है तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज चूज कर लिया हमने। तो अभी देखो v1 का वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, v माइनस ऑफ ओमेगा आप लिख सकते हैं क्या?
लिख सकते हैं? हाँ सर। और v2 का वैल्यू को हम लिख सकते हैं, दिस इज v प्लस ओमेगा, लिख सकते हैं ना? हाँ सर। अगर इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, देखो इफ यू एडिंग दीज टू, देखो ओमेगा वाला टर्म कट जा रहा है एंड व्हाट यू गेटिंग इज v का वैल्यू, v इज कमिंग आउट ऑफ v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो पहला पार्ट का आंसर मिल गया है। अब दूसरा पार्ट का आंसर निकालने के लिए आप पहला दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो पहले दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, v2 minus v1 is equal to 2 omega r, therefore omega is equal to v2 minus v1 divided by 2 r, मिल गया? क्लियर है? हाँ सर। यस सर। आप अगर एक चीज देखोगे इसमें बेसिक जो आपने मोशन इन टू डायमेंशन में भी जो कंसेप्ट सीखा था कि एक पार्टिकल का अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं और डिवाइडेड बाय द सेपरेशन करते हैं, याद है आपको? हाँ सर। तो आप ये काम भी कर सकते थे, जैसे अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इमेजिन करूं कि अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रखता विद रिस्पेक्ट टू बॉटम मोस्ट पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू टॉप मोस्ट पॉइंट, आपको जो भी पॉइंट लेना है जो पसंद आए वो ले लो, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टॉप मोस्ट पॉइंट अगर डायग्राम को रीड्रॉ करो, विद रिस्पेक्ट टू टॉप ऑफ स्फीयर अगर डायग्राम को रीड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो इस केस में स्फीयर का टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप सिचुएटेड हो तो क्या उसकी वेलोसिटी आपको कुछ दिखेगी? नहीं सर। नहीं। तो अब आपको उसके रिलेटिव में कैलकुलेशन करना है, मतलब उसकी वेलोसिटी को आपको रिवर्ट करके ऐड करना है। अभी चेक करो, इसके ठीक सामने में बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी आपको पता था वो कितना था, v2, और टॉप मोस्ट पॉइंट का राइट की तरफ v1 था, जब उसको रिवर्ट करके आपने ऐड किया तो ये v1 ऐसा दिखेगा आपको, दिखेगा? हां सर। हां यस सर। ये v1 राइट की तरफ था, सिंस आप अपने फ्रेम को वहां फिक्स कर रहे हो तो v1 को आपको उल्टा करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखोगे अगर, तो अगर मैं इस पॉइंट को मान लेते टॉप मोस्ट पॉइंट को मैं a कह लेता हूं और बॉटम मोस्ट पॉइंट को b कह लेता हूं, तो अब आपको ओमेगा अगर निकालनी है देखो, तो ये वाला डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, a और b के बीच में सेपरेशन आपको कितना दिख रहा है, 2r दिख रहा है या नहीं? और अब ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अगर निकालनी है तो ओमेगा निकालने के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एंड डिवाइडेड बाय सेपरेशन, सेपरेशन कितने का है, 2r का है, तो ये हो जाएगी आपकी v2 minus v1 and divided by 2r, समझ आई आपको? यस सर। ठीक है, तो इसमें आपको दो इक्वेशंस लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक के ऊपर बैठ के दूसरे को देखो एंड देन कैलकुलेशन करो। आपको एक चीज जो मैंने समझाई थी आपको अगर याद हो तो रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, आपको याद है? और कोई क्वेश्चन भी पूछा था ये लास्ट क्लास में। हां सर। है ना, तो आप कहीं से भी बैठ के ये कैलकुलेशन करते तो क्या था, सेम ही डेटा था, ठीक है ना? हां सर। ठीक है, चलो अभी हम अब एक्सेलरेशन वाले पार्ट पे आते हैं, फाइंडिंग आउट एक्सेलरेशन of different points in a rolling object. पहले मान लेते हैं कि अभी फिलहाल के लिए सेंटर ऑफ मास जो है कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, केस वन कंसिडर करें, केस वन इज COM इज अनएक्सेलरेटेड, ये मैं मान के चल रहा हूं, COM हमारा अनएक्सेलरेटेड है, ये सरफेस है और इस सरफेस में हम ये मान रहे हैं कि हमारी COM जो है वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, v and obviously this is omega, ठीक है? अब एक चीज आप सोच के बताओ मुझे, center of mass unaccelerated नहीं है ना, unaccelerated है, और बाकी सारे पॉइंट का अगर आप बात करते हो, बाकी सारा पॉइंट तो वो सारा accelerated है, बाकी सारा पॉइंट accelerated है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि सारे पॉइंट की वेलोसिटी चेंज कर रही है, नहीं कर रही है, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, चेंज कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि एक लोकेशन पे जो एक पार्टिकल एक वक्त है, yes. दूसरे लोकेशन पे तो वो डिफरेंट लोकेशन पे है ना? हाँ सर। इफ यू ऑब्जर्व एनी पर्टिकुलर पार्टिकल, वो पार्टिकल मतलब जो इस स्फीयर पे है, वो जैसे ही ऑब्जेक्ट घूम के आगे बढ़ेगा तो उसका लोकेशन चेंज होगा,
और लोकेशन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी अगर आपको याद हो तो लोकेशन पे डिपेंडेंट था या नहीं था? हाँ सर, हाँ सर। तो अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो मतलब पक्का है सारा पॉइंट एक्सेलरेटेड है। अब ये एक्सेलरेशन आप निकालेंगे कैसे जब आपको फोर्सेस ही नहीं पता क्या क्या लग रहे हैं, क्योंकि किसी एक एलिमेंट को, जैसे मैंने डिस्कस किया आपके साथ थोड़ी देर पहले, डिस्कस कर रहा था मैं जब क्लास में डाउट सेशन ले रहा था मैं, तब उस समय ऑलरेडी मैंने समझाया कि कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को अगर देखोगे तो पार्टिकल जो है रिमेनिंग हाफ ऑफ स्फीयर से तो पूरा कनेक्टेड ही है, और अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्फीयर से कनेक्टेड है तो उसमें टेंशन की तरह फोर्सेस तो जनरेट होगा दूसरे हाफ से, तो वो फोर्सेस तो आप निकाल नहीं सकते। तो जब फोर्सेस ही नहीं निकाल सकते तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो वो कन्वेंशनल तरीका फोर्स बाय मास करके एक्सेलरेशन निकालने का तरीका वर्कआउट नहीं करेगा यहाँ पे, इट वोंट वर्कआउट। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, अब आपको दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो फॉर्चुनेटली मेरे पास ये सिचुएशन है कि सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ इज अनएक्सेलरेटेड। तो अगर मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन आएगा, क्या ग्राउंड के भी रिस्पेक्ट में वही एक्सेलरेशन होगा? हां सर, ठीक है, ये बेसिक सी चीज कह रहे हैं। सिंस COM इटसेल्फ इज अनएक्सेलरेटेड, COM इटसेल्फ इज अनएक्सेलरेटेड, इसका मतलब ये निकला acceleration of every point with respect to COM will be its acceleration with respect to ground. I hope आपको समझ आ रही है? हाँ सर, ठीक है। अब देखो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको center of mass पे बैठ जाना चाहिए। आप बताओ मुझे कि सेंटर ऑफ मास पे बैठने के बाद आपको क्या ट्रांसलेशन दिखेगा? नहीं सर, दिखेगा नहीं, दिखेगा ना। अब आपको क्या दिखेगा, प्योर रोटेशन? हां सर, प्योर रोटेशन। और अगर प्योर रोटेशन है तो हर एक पॉइंट के पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, राइट। हर एक पॉइंट के पास, हर एक पॉइंट के पास देखो, अब तुम किसी भी पॉइंट को क्या जीरो वेलोसिटी पे कह सकते हो? जब तुम इसके रेस्पेक्ट में देखोगे, मतलब विद रेस्पेक्ट टू COM अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो हर एक पॉइंट के पास एक लीनियर वेलोसिटी ओमेगा एफ का मार्क करोगे या नहीं करोगे? हर एक पॉइंट का करोगे या नहीं करोगे? ये जो पिंक कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारा वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? COM के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि COM के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहे हैं, सारे ही घूम रहे हैं, सारे पार्टिकल घूम रहे हैं, कहीं पे भी ले लो, हर एक के लिए क्या है, वो घूम ही रहा है। तो अब क्या कोई भी पार्टिकल आपको रेस्ट पे दिख रहा है? नो सर, कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। हर एक पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट इज परफॉर्मिंग UCM अबाउट द सेंटर, एंड अगर सारे पॉइंट अगर UCM कर रहे हैं अबाउट द सेंटर, इसका मतलब सबके पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है या नहीं है? हां सर, इसका मतलब ये सबके पास क्या होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r सेंटर की तरफ होना चाहिए। हां सर, देखो आपको कोई कंफ्यूजन है अभी तक? अभी तक जो मैंने किया उसमें कोई कंफ्यूजन है? सर मतलब ग्राउंड से हर एक पॉइंट का वेरी कर रहा है के लिए, उसके लिए हम फ्रेम चूज किया है ना? हाँ हाँ, ग्राउंड से हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से मैंने ये फ्रेम चेंज कर दिया। एक बार ये एक्सेलरेशन वाला रिपीट करेंगे, एक बार ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट। हर एक पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, और अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके पास एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर का, इसलिए ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड्स द सेंटर दिखा रखा है। दैट्स इट। अभी अगर आप देखोगे तो ये एक्सेलरेशन जो आपने निकाला है जिसको हम सेंट्रिपिटल बोल रहे हैं, ये सेंट्रिपिटल किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर के रेस्पेक्ट में है या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? नाम बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ नाम की बात कर रहा हूँ। क्या ये एक्सेलरेशन को हम सेंट्रिपिटल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं या फिर सेंट्रिपिटल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कह रहे हैं? रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, COM के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है, यहां से आप ये चीज का ध्यान रखो कि यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू COM एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स UCM and hence has a centripetal acceleration with respect to COM.
ठीक है, सेंट्रीपिटल विद रिस्पेक्ट टू सीएमए, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब आप सोच के देखो, जब आप बाहर निकलोगे ग्राउंड में, जब आप आ जाओगे, जब आप ग्राउंड पे आ जाओगे, तो ग्राउंड पे आने के बाद जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम टेंजेंशियल कहते हैं, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल कहते हैं या नहीं? यस सर. राइट. अब तुम ये सोच के देखो, हर एक पॉइंट के बारे में सोचो. जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट का बात करो, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कैसा था? 2 ओमेगा आर, मतलब 2v था ना, ये था, ये ना, आपको अगर याद हो तो ये वाला डायग्राम की बात करो मैं. ये देखो, ये वाला दिख रही है आप सभी को? हां सर. मैं इसको एक बार वहां पे कॉपी पेस्ट कर ही देता हूं. अच्छा, इसको नहीं, ये थोड़ा ज्यादा घुमा हुआ है, इसको ले लेते हैं. सर मतलब वेलोसिटी फ्रेम पे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं, राइट? वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी तो फ्रेम पे डिपेंडेंट कर ही है, डिपेंड है ही, क्या बोल रहे हो तुम? वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं है. अभी तो तुमको दिखाया सेंटर पे बैठ के तुमको वेलोसिटी अलग दिख रही थी, और फिर अभी ग्राउंड पे आए तो अलग दिखेगी, क्या बकवास कर रहे हो? हां, वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता, ये तुमने सिखाई क्या? हम नहीं सर, नहीं सर, गलती से, सॉरी 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 सॉरी. ये जो ओमेगा सिर्फ दिखा रहे हैं और तुम समझा देखो की तरह बात कर रहे हो. अभी देखो आप, यही एक्सेलरेशन अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हम दिखाएं तो एक्सेलरेशन यही दिखाएंगे ना जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है. देखो ये देखो ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, समझ आ रही है सभी को? ठीक है सर, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी ओमेगा स्क्वायर आर ही है. हाँ, अरे ये तो ऑलरेडी पर समझाया आपको. हाँ सर. हाँ, एक ही चीज कितनी बार पूछते हो यार तुम लोग, ये तो ऑलरेडी इतना समझा के कर रहा हूँ. और वो सो रहे हो क्या क्लास में बेटा? नहीं सर, जरा. हाँ, अभी देखो यहाँ पे. सो ये एक्सेलरेशन अब मैंने क्या किया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी यही मार्क कर दिया. अब तुम ये सोच के देखो कि जहां पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर दिखेगी उसको तो हम सेंट्रीपिटल कह सकते हैं, बट जहां पे वेलोसिटी से परपेंडिकुलर नहीं है क्या उसको सेंट्रीपिटल कह सकते हैं? नहीं सर. नहीं क्या सर? इसका मतलब कि क्या ये ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल है सबके लिए या सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए? सिर्फ टॉप मोस्ट. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. अब देखो, अब अगर आप नोटिस करोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन पता चल चुका है, ओमेगा स्क्वायर आर है, आपको उसका लीनियर वेलोसिटी भी पता है, 2v है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कुछ भी मैं अपनी तरफ से मान लूं तो 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ओमेगा स्क्वायर आर होना चाहिए था? राइट, क्योंकि वही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है. तो फॉर टॉप मोस्ट पॉइंट, फॉर टॉप मोस्ट पॉइंट, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर and that will be equal to 2v ka whole square divided by radius of curvature at top. And therefore, agar aap dekhoge, to radius of curvature jo topmost point pe aa rahi hai, that is 4 times of r aa rahi hai. Dikh rahi hai aapko? Haan sir, haan. This is radius of curvature. Theek hai, samajh aa rahi hai sabhi ko? इसी में आपको दिखेगा आईसीआर का भी. देखो मैंने एक्सेलरेशन दिखा रखा है ओमेगा स्क्वायर आर का, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? जो इंस्टेंटेनियस लोकेशन है, सोचो उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो कांटेक्ट पे है, वो कांटेक्ट पॉइंट वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे ऊपर उठ रहा है या नहीं उठ रहा है? वेरी नेक्स्ट मोमेंट. रोलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ही क्या है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हटता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, राइट? है ना? हाँ सर. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ऊपर उठ रहा है तो उसको कौन लेके जाएगा ऊपर? इनिशियली वो रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन, दैट्स इट. इसका मतलब ये जो ओमेगा स्क्वायर आर बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए, ये टेंजेंशियल हुआ या नहीं हुआ? यस सर.
दैट इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये जो एक्सेलरेशन आप दिखा रहे हो दिस इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. आर यू गेटिंग इट? तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भले ही सारे पॉइंट के लिए सेम आप दिखा रहे हो ओमेगा स्क्वायर आर, बट कहीं पे ये टेंजेंशियल है कहीं पे क्या है सेंट्रीपिटल है. आपको समझ आ रही है ना सबको? यस सर. आईसीआर के लिए टेंजेंशियल क्यों होगा और एक बार बताएंगे वो? देखो इसमें ऐसे सोच के देखो सर, प्लीज बोल देंगे बस सेंट्रीपिटल किसके लिए टेंजेंशियल किसके लिए वो कंफ्यूज हो. देखो जैसे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल कराते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, रोलिंग ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट, तो जब हम इसको कहते हैं कि ये ट्रांसलेट करके यू नो आगे जा रहा है बिना स्लिप किए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का जब आप लोकस देखोगे ना, जैसे बॉटम मोस्ट पॉइंट का अगर लोकस देख रहे हैं, जो सेंटर वाला पॉइंट है वो तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बट बाकी जो भी पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है. जैसे बॉटम मोस्ट पॉइंट का अगर पाथ देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये एक पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वो तब होगा जब ये आपका स्फीयर रोल करके हाफ रोल कर चुका होगा, मतलब जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जा चुका है और जो टॉप मोस्ट था वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ चुका है. उसके बाद फिर ये फर्दर और सिमेट्रिकल पाथ फॉलो करके ये आपका यहाँ पे लैंड करेगा. ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ना, ये कोई भी एक पॉइंट सर्कमफेरेंस का, कोई भी एक पॉइंट, ये सबका पाथ एक जैसा ही है क्योंकि हर कोई को कभी ना कभी तो ग्राउंड पे आएगा ना. हाँ आएगा नहीं आएगा? तो हर एक पॉइंट का जो पाथ है ना, ये एकदम बिल्कुल ऐसा ही है हर एक पॉइंट की पाथ. दिस इज, ये जो मैंने दिखा रखा रेड कलर की लाइन से, दिस इज द लोकस ऑफ एवरी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट ले लो, वो सारा इसी पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है. इस पाथ को हम साइक्लॉइड कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज साइक्लॉइड. इसको कहते हैं दिस इज साइक्लॉइडल पाथ. अब अगर देखोगे साइक्लॉइडल पाथ का आप टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट चेक करो, टेंजेंट ये देखो, इसका टेंजेंट इनिशियली देखो जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट कैसा दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है या नहीं? यस सर. हां और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ रहा है तब देखो उसका टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल है या नहीं? हां सर. फिर वापस से जब यू नो जब वापस से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लैंड कर रहा है तब वापस से देखो कैसा है टेंजेंट, वर्टिकल है या नहीं? हां सर. हां दिख रही है? तो टेंजेंट अगर है और उसी डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन बोल रहे थे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ या सेंट्रीपिटल हुआ वो बॉटम मोस्ट पॉइंट? हां सर. हां ठीक है. समझ आई? यस सर. यस ठीक है. तो वो टेंजेंशियल ही है. बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए टेंजेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए वो सेंट्रीपिटल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है या वेलोसिटी के अलोंग है, इसीलिए आप नाम देते हैं टेंजेंशियल या यू नो सेंट्रीपिटल. ऐसा जो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है उसको सेंट्रीपिटल बोला जाता है, ऐसा जो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है उसको टेंजेंशियल बोलते हैं. क्लियर है? हां सर. ओके. अच्छा ये बताओ मुझे, सपोजिटली अगर आपको पूछे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सपोजिटली पॉइंट, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, लेट अस से दिस इज कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको ए कह लेते हैं, ठीक है. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए चाहिए. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए बता सकते हैं कितना होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका आपको पता है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी निकालनी होती है याद? हां सर. हां राइट. एंड उसके बाद फिर उसी को आप v स्क्वायर बाय r करते हैं. तो पॉइंट ए का वेलोसिटी कितना है? √2v है, दिख रहा है आपको? यस सर. राइट. तो अब अगर ये अगर पॉइंट ए करें, फॉर पॉइंट ए, पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर आर इनटू कॉस ऑफ 45 डिग्री. ये समझ आई आपको? ठीक है ना? हां सर. ठीक है, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन चाहिए तो इसलिए इसको ओमेगा स्क्वायर आर इनटू कॉस ऑफ 45 डिग्री लिखा है, ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. एंड इसकी वैल्यू को आप क्या करोगे, √2v, ये उसका वेलोसिटी था, इसका स्क्वायर किया एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लिख लिया. तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए आ जा रहा है. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए इज 2√2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा. समझ आई? हां सर. तो हर एक पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार चेंज करता रहता है, वो लोकेशन कहां है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, ठीक है. और आपको ये चीज ऑलरेडी भी समझाया कि जो जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसको हम आईसीआर कह रहे हैं, उसका ऑलरेडी एक एक्सेलरेशन है
towards the center omega square r, है ना? हाँ सर. The instantaneous point of contact. Instantaneous point of contact has zero instantaneous velocity. Zero instantaneous velocity. But has an acceleration of omega square r towards the center of the rolling object. I hope आपको समझ आ गई है. Yes. ये जो साइक्लोइडल पाथ हमने दिखा रखा है ना, इस साइक्लोइडल पाथ का आप लेंथ याद रखना. जैसे कई बार आपसे पूछते हैं कि साइक्लोइडल पाथ का लेंथ कितना होता है, तो ये जो लेंथ ऑफ साइक्लोइड है, ये फुल, इसको ये फुल रोटेशन का साइक्लोइड का लेंथ आ रहा है. इसको फुल लेंथ जब आप निकालते हो तो 8 आ रहा है. आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. लेंथ ऑफ साइक्लोइड इज 8 आर. ठीक है, इसको याद रखिएगा. ये तुरंत डिराइव कर सकते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है देखो इसके लिए. क्या हम ये कह सकते हैं ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कमफेरेंशियल पॉइंट है इन वन रेवोल्यूशन? हां सर, डिस्टेंस. हां है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही है, क्योंकि किसी भी जो भी सर्कमफेरेंस का पॉइंट है वो जो लोकस में मूव कर रहा है वही तो उसमें दिखा रखा है हमने. तो ऐसे सोच के देखो, ये मान लेते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रोल करके आगे बढ़ा दिया. ठीक है, ये मान लेते हैं इधर b एंड ओमेगा से रोल कर रहा है. ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये सेंटर जो है थोड़ा आगे बढ़ चुका है. इधर b एंड इधर ओमेगा दिखा रहा है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ का जो सर्कमफेरेंशियल पॉइंट था, जस्ट तक एक मिनट, मुझे डायग्राम थोड़ा ठीक कर लेने दीजिए, फिर बोला. ये मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कमफेरेंस का ये पॉइंट कन्वीनियंटली चूज कर लेता हूँ. मान लेते हैं इसी का मुझे डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है. ठीक है, तो इस केस में ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है एंड देन इसकी लोकेशन थोड़ी देर के बाद हम दिखा रहे हैं. तो मान लेते हैं ये रोल करके आगे जा चुका है एंड ये ऐसे कुछ पाथ में मूव कर रहा है मान लेते हैं. ठीक है, इसी का पाथ बेसिकली साइक्लॉइड होने वाला है. समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? यस सर. ठीक है, तो देखो अभी इस इंस्टेंट पे ये यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं इसको. दिस इज द लोकेशन. मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल से टर्न कर चुका है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन. ये एंगल थीटा है. ठीक है, टाइम टी के बाद है. ये टी इक्वल टू जीरो का लोकेशन है एंड ये टी इक्वल टू टी का है. तो सिंस ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा की वैल्यू को क्या हम ओमेगा इनटू टी लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं. ठीक है ना? ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको. तो वेलोसिटी जो होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये वेलोसिटी एट पोजीशन थीटा लिख रहे हैं. ठीक है, v एट थीटा लिख रहे हैं. तो ये v एट थीटा तो आप आराम से निकाल सकते हैं. अब देखो यहाँ से जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ जो जो आईसीआर का कंसेप्ट था उसी से निकाल लेते हैं, झटपट निकल जाएगा. देखो देखो एक बार चेक करो, क्या मैं सही ड्रॉ कर रहा हूँ क्या? देखो एक बार डायरेक्शंस चेक करो एक बार. एक्सीडेंटल कुछ नहीं है, सब डेलिबरेट है. ठीक है, जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो मैंने दिखा रखा है
वो डायमीटर जो वर्टिकल डायमीटर देखो उसके सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे मीट कर रहा है, दिख रहा है आपको? हां सर। और वो क्यों होगा? क्योंकि पता है ना आपको आईसीआर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है आईसीआर के डिस्टेंस से, है ना? हां सर। हां राइट। तो इसलिए जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो फिर ये वाली जो लेंथ है, एक मिनट मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो ये वाली लेंथ और ये वाली जो लेंथ है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना? यस सर। हां है ना। तो इस केस में अब आप ये देखो, आप ये देखो कि इधर से ये तो थीटा है, तो ये वाली एंगल हो जाएगी आपकी 90। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इधर से झटपट निकल जाएगा, एक मिनट रुको। देखो मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट किया है, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? हाँ सर आइसोसेलेस। है ना आइसोसेलेस, राइट? आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दोनों एंगल इक्वल है वो वाले एंगल कितने हैं? पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय। कितना है ये एंगल? पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा या थीटा बाय 2? 90 माइनस थीटा बाय 2 ये है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। अभी आपको ये v at position theta जो लिखना है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? This will be omega into 2r into cos of pi by 2 minus theta by 2, लिख सकते हैं इसको ऐसा? हाँ सर। है ना। ठीक है। ये सब ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने कर रखा है, सो ये हो गया 2v into sin theta by 2 हो गया, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है। अब अगर वेलोसिटी मिल गया मैग्नीट्यूड में, तो अगर मैं dt टाइम इंटरवल की बात करूं, डिस्टेंस ट्रैवल इन अ टाइम dt, डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम dt अगर लिखनी है, तो इसको मैं ds से इंडिकेट कर रहा हूं, तो क्या इसको v एट पोजीशन थीटा इनटू dt लिख सकते हैं? है ना? हां सर। v कितना निकाला हमने? 2v इनटू sin ऑफ थीटा बाय 2, एंड थीटा वाज ओमेगा t, तो ओमेगा t बाय 2 एंड इनटू dt, एंड दिस इज ds। Therefore, अगर total distance travelled निकालनी है s, तो क्या करेंगे आप? 2v integration of sine of omega t by 2 dt, and इसको integrate कहाँ से कहाँ करोगे आप? 0 से लेके 2 pi by omega, क्योंकि एक complete rotation का मतलब कितना angle घूमना है उसको? मतलब एक complete rotation का ना, तो कितना angle घूमना है? 2 pi, है ना? हाँ सर। हाँ time है इसलिए। हाँ, और उस केस में omega angle of velocity था, तो 2 pi divided by omega क्या हो गया? उसका time period हो गया, तो time period, एक complete time period में उसको integrate करना है आपको। अब तो simple सा integration हो जाएगा ये। तो you get 2v, and sin का integration minus cos है, तो minus of cos of omega t by 2 लिखा, and t का coefficient आपका omega by 2 है, तो omega 2 by 2 से divide भी कर दिया, and फिर यहाँ पे 0 से लेके 2 pi by omega limit ले लिया। अब limit जैसे ही डालोगे तो अंदर दिखेगा आपको कि cos of pi आ रहा है, minus of cos pi, upper limit के लिए, तो minus of minus 1 plus 1 हो जाएगा। और फिर जब लोअर लिमिट 0 डालोगे तो माइनस ऑफ माइनस 1 फिर से मतलब प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 एंड प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये आ रही आपके पास 2 into 2 4 to the 8, 8 टाइम्स ऑफ v by ओमेगा आ रही है, एंड v खुद ही ओमेगा आ रहा है, तो ये क्या हो गया? 8 टाइम्स ऑफ r हो गया। समझ आ गया आपको? हां सर। ठीक है। तो ये जो साइक्लॉइड है, उस साइक्लॉइड का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है पूरा एक कंप्लीट रोटेशन में, वो बेसिकली आपका 8r का होता है, तो इसको रिजल्ट की तरह याद रखनी होती है। ठीक है। डेरिवेशन भूल जाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स डेरिवेशन याद रखेंगे, मेडिकल एस्पिरेंट्स भूल जाओ, बस रिजल्ट को याद रखना कि डिस्टेंस मतलब वो जो साइक्लॉइड का पाथ होता है उसका डिस्टेंस टोटल आपका 8r होता है। ठीक है। डेरिवेशन पे इतना ज्यादा फोकस मत करो, मेडिकल एस्पिरेंट्स, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स फोकस करेंगे डेरिवेशन पे भी। चलो आपको समझ तो आ गया ना ये? अब केस 2 पे आते हैं। मैंने केस 1 अभी कंसीडर किया जहां पे सेंटर ऑफ मास अनएक्सेलरेटेड था, तो अब मैं केस 2 कंसीडर करने वाला हूं जहां पे सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कराएंगे। COM इज एक्सेलरेटेड। ठीक है। इस बार क्या करेंगे हम, इसको एक
translational velocity, v, angular velocity, omega, acceleration of center, ye a, and angular acceleration of object, ye bhi alpha, ye bhi mark kar rakha hai, theek hai? तो ऐसे मार्क कर रखा है। अब ये पैरामीटर्स अगर नोन है तो सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन अब कैसे निकालेंगे आप वो सिखाते हैं। सबसे पहले जो गिवन है आपको प्योर रोलिंग गिवन है, तो प्योर रोलिंग का मतलब आपको पता है कि सिंस ये फिक्स्ड सरफेस पे रोल कर रहा है, इसका मतलब वी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ओमेगा होनी चाहिए, है ना? हाँ सर। अगर इसी को अगर मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, डीवी बाई डीटी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डीटी इनटू आर, लिख सकते हैं क्या? और dv by dt क्या है? Acceleration of center of mass. और d omega by dt क्या है? Angular acceleration. और a equal to alpha आ गया. इसका मतलब जैसे आप v equal to omega r लिखते हैं pure rolling में, fixed surface पे, वैसे ही a equal to alpha r भी लिखना है आपको. समझ आई? हाँ सर. सही करेंगे? इसका मतलब कि जो point of contact है, उस point of contact का जो tangential acceleration होना चाहिए, मतलब जिस surface पे वो roll कर रहा है, जिस surface पे roll कर रहा है, उस surface का जो linear acceleration है, उस सरफेस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जैसे बोलते थे लीनियर वेलोसिटी मैच करनी चाहिए, वैसे ही एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन भी अलोंग द सरफेस मैच करनी चाहिए, मतलब डिफरेंट नहीं हो सकती है, ठीक है? बट हाँ, एक चीज देखो, आपको ये पता है कि अब अगर फिर से अगर आप विद रिस्पेक्ट टू सेंटर को सोचोगे, मतलब इमेजिन करो कि आप अपने आप को सेंटर पे सिचुएट किए हो, तो आपको ट्रांसलेशन तो नहीं दिखेगा बट रोटेशन तो दिखेगा ना? हाँ सर, दिखेगा। तो अब आप सोच के देखो कि सारे पॉइंट के लिए, जो भी पॉइंट के लिए आप यू नो एक्सेलरेशन मार्क कर रहे थे, अब वो एक्सेलरेशन मार्क करते वक्त आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से अल्फा आर भी तो मार्क करना पड़ेगा। हां सर। तो इस केस में सोचो आप टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखोगे, तो ये तो आपने लिखा अल्फा आर, और एक ओमेगा स्क्वायर आर भी आपका सेंटर की तरफ आएगा। फिर से वापस से एक लिखा आपने अल्फा आर एंड एक लिखा आपने ओमेगा स्क्वायर आर, वैसे ही इसमें भी आपने लिखा एक अल्फा एंड एक और लिखा आपने ओमेगा स्क्वायर, फिर इस पे भी आपका अल्फा एंड एक और लिखा आपने ओमेगा स्क्वायर। ये आपने किसके रिस्पेक्ट में मार्क किया? COM के रिस्पेक्ट में। हाँ सर। बट COM आपका खुद एक्सेलरेटेड है या नहीं? है सर। हाँ। इसका मतलब COM का एक्सेलरेशन आपको इसमें वेक्टोरियली ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको अब एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, आपको ये a वाला टर्म ये भी ऐड करना पड़ेगा। समझ आई आपको? सबको समझ आ रही है? हाँ सर। एक वाला एक बार और बोल देंगे। क्या हुआ, फिर से बोलो, क्या कौन पूछ रहे हैं? ए वाला बोला थोड़ा ऊपर चले गए। कौन बोला, नाम तो बताओ अपना। गणेश शांतनी। कौन से पार्ट पे आपको नहीं समझ आया? लास्ट में जो ए बोला ना वो। हाँ, अच्छा। वो देखो, इसमें ऑलरेडी मैंने आपको ये समझाया कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपने ये सारे पिंक कलर के एरो से मार्क किया, वो सारा एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास था, बट COM तो खुद भी एक्सेलरेटेड था ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन उसमें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आपको पता है, तो velocity of A निकालने के लिए आपको velocity of B उसमें vectorially add करना पड़ता है, नहीं पढ़ना पड़ता है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तुम अगर एक कार में चल रहे हो और कार के रेस्पेक्ट में तुम मूव कर रहे हो और कार खुद भी मूव कर रहा है, तो कार का velocity और तुम्हारा velocity with respect to car, इनका vectorial addition ही तो करना पड़ेगा ना? Yes, sir. तो same चीज़ यहाँ पे भी है। तो center of mass के रेस्पेक्ट में पहले acceleration निकाल लिया और फिर center of mass का acceleration को vectorially add कर दिया, तो अब देखो आपको सारे पॉइंट का acceleration दिख रहा है कितना है, टॉप मोस्ट पॉइंट का a प्लस अल्फा r और ओमेगा स्क्वायर r का वेक्टर सम दिख रहा है? हां सर। है ना? हां सर। इसी को अगर मैं रीड्रॉ कर दूं आपको दिखा देता हूं एक बार। सो दिस सिचुएशन इज इक्वल टू, अब मैं यहां से ऑब्जर्वर हटा दे रहा हूं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो लिखते हैं। अब यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, इसको सीधे से एक सिंगल लाइन से मार्क कर देते हैं, दिस इज प्लस ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे, इसको हटा देते हैं यहाँ से,
this will be a minus of omega square r. और ये दोनों तो आपस में कट गए क्योंकि a equal to alpha r था. और यहाँ पे आप लिख सकते हैं a plus omega square r. देखो समझ आया सबको डायग्राम? यस सर. हाँ सर. और अब इनका जो वेक्टर सम है वही रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनेगा हर किसी के लिए. दिख रही है सभी को? देखो आप देखोगे अगर तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसके पास अलोंग द सरफेस कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है सर. नो सर. बट परपेंडिकुलर टू सरफेस तो एक्सेलरेशन है ना? हाँ सर. तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सेलरेटेड होती है या अनएक्सेलरेटेड, क्या बोलोगे आप? एक्सेलरेटेड. गलत. कंडीशनल है. अगर ओमेगा होगा तब तो ना, अगर इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा? जीरो. जीरो है ना. तो पूरा सोचो कि ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, अब ओमेगा का वैल्यू जीरो हो सकता है या नहीं? तो फिर आप ये नहीं बोलेंगे ना नॉन जीरो, आप बोलेंगे कि जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग कि वो रेस्ट पे है या फिर वो मोशन में है. अगर मोशन में है तो उस केस में डेफिनेटली आप बोलेंगे कि उसके पास एक नॉन जीरो एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर सरफेस. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ठीक है. तो इसको ध्यान रखना, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल हैव जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन along the surface. ठीक है. along the surface. ये with respect to surface है. With respect to surface on which it rolls. ठीक है. but it has an acceleration perpendicular to surface of omega square r. ठीक है. हाँ सर. चलो acceleration भी आपने निकालना सीख लिया. So rolling on an object के लिए अगर वो translation में है, मतलब अगर वो linear velocities आपको निकालनी है तो वो भी निकालना सीख लिया आपने. अगर आपको angular velocity निकालनी है तो वो भी आपने निकालना सीख लिया है. अगर आपको किसी भी arbitrary point का linear velocity पूछे वो भी सीख लिया है. किसी भी आर्बिट्री पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछे वो भी सीख लिया है. अब एक छोटा सा जैसे एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं, छोटा सा एप्लीकेशन है. इमेजिन करो कि यहाँ पे एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर है. ये लीनियर वेलोसिटी वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोल कर रहा है और मुझे ये कह रखा है उन्होंने कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर रोल्स ऑन अ फिक्स्ड सरफेस एज शोन इफ मास ऑफ स्फीयर इज एम फाइंड द फोर्स exerted by right half on left half. Right half, left half पे कितना force लगाएगा ये आपको निकालने का है. कैसे करेंगे? इसमें सिर्फ v और omega दिखा रखा है, इसका मतलब आपको ये मान के चलना है You are supposed to assume कि ये constant velocity से चल रहा है. ठीक है. मतलब center जो है वो constant velocity से चल रहा होगा. तो center of mass unaccelerated है. But एक half का जब हम center of mass लेंगे तो क्या वो unaccelerated है? नहीं सर. नहीं. तो इस केस में आप सोच के देखो, ये देखो ये हमने एक line draw किया है, इसके left half में एक part है और right half में एक part है. तो इसको part one ऐसे कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं, इसको पार्ट वन कह लेते हैं और इसको पार्ट टू कह लेते हैं. तो मुझे क्या पूछा उन्होंने? फोर्स एक्सर्टेड बाय राइट हाफ, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये निकालना है ना? हाँ. ठीक है. आप ये सोचो कि इसका जो लेफ्ट हाफ का जो सीओएम है,
वो कहाँ पे आपको पता है क्या? हाँ सर पता है। कितने दूर पे है वो? कितने दूर पे है? 3/8 / r ए 3/r/8 गुड 3/r/8 पे तो दिस डिस्टेंस इज 3/r/8 3/r/8 तो इस केस में क्या इसका एक्सेलरेशन हमें पता है? दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू 3/r/8 होगा या नहीं होगा? हां आपको बताया ना एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या था? सेंटर ऑफ मास पे बैठो और सारे पॉइंट उसमें क्या कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम इसको ये लिख सकते हैं दिस इज m / 2 इज द मास ठीक है एंड दैट मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन व्हिच इज ओमेगा स्क्वायर इनटू 3/r/8 क्या यही होगा? सोचो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दिया। समझ आया? हां सर। और तो कोई फोर्स नहीं है, बाकी जो फोर्स है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है बट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वो तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही देगा ना। और हॉरिजॉन्टल फोर्स कहां से आ रहा है? वो राइट वाला हाफ जो लेफ्ट हाफ पे फोर्स लगा रहा है वही फोर्स है। जैसे स्ट्रिंग का टेंशन होता है यहाँ पे क्या है इन दोनों के बीच का जो भी इंटरैक्टिव फोर्स है वही वाला फोर्स उन्होंने पूछ रखा है तो ये अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 3m/16 इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। अब आर कैसे निकाले देखो उसने वी और ओमेगा दे रखा है तो आर सिंस वी की वैल्यू ओमेगा आर होती है तो आर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? वी बाय ओमेगा लिख सकते हैं ना? हां लिख सकते हैं। हां सर वी बाय ओमेगा लिख लो तो एक ओमेगा कट गया यानी हो गई आपके पास 3/16 टाइम्स ऑफ एम ओमेगा इनटू वी। ये आंसर हो जाएगा। समझ आई सभी को? हां सर। 3/8 कैसे आप इस एक्सप्लेन करेंगे? 3/8 वाला पार्ट तुम एक काम को तुम एक भी रिजल्ट याद रखोगे क्या? तुमने बोला था ना तुमने एक बार रिवाइज तुमने पढ़ा फर्स्ट क्लास का लेक्चर देखा था सर? वो देखा था बट मैं प्रेजेंट नहीं था फर्स्ट क्लास में, देखा है फर्स्ट और सेकंड क्लास का लेक्चर। तो तुमको रिजल्ट तो तुमको याद रखना है ना बेटा, जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है क्या ये याद नहीं रखोगे तुम? कहाँ पे सेंटर ऑफ मास है सॉलिड स्फीयर का, कहाँ हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास है, कहाँ डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, कहाँ रिंग का सेंटर ऑफ मास है, ये सब तो तुमको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें मैं तुमको कैसे बताऊं कि हाँ फिर से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? तुमको तो ये रिजल्ट याद रखने का है। सेंटर ऑफ मास कितने दूर पे होना है ये आपको याद रखना है। ओके अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि आपको यू नो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी भी जब आप लिखोगे ना तो आपके पास तीन तरह के सिचुएशन होंगे। जैसे एक आप ये कंसीडर करोगे जहां पे ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा होगा तो प्योर ट्रांसलेशन में आपको पता है कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है तो हर एक पॉइंट की अगर वेलोसिटी सेम है तो सिंपली आप हाफ एम वी स्क्वायर कर सकते हो, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर कर दिया, इससे आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। बट अगर एक ऑब्जेक्ट सोचो प्योर रोटेशन पे है तो क्या इसमें हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है? नहीं। तो इसके लिए तो हाफ एम वी स्क्वायर वाला टर्म अगर करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए क्योंकि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। तो इस केस में तो आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखेगा आपके लिए। तो इससे क्या है एक कि कैसे लिखना है आपको, उसके बाद फिर मैं उसका डेरिवेशन भी दिखा दूंगा आपको कि कैसे मतलब क्यों वैसे लिखना है। ठीक है मैं हेडिंग के साथ ही लिख रहा हूँ, आपको वो रिजल्ट ध्यान रखनी है ठीक है कि कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। Finding out kinetic energy of an object. Finding out kinetic energy of an object. सबसे पहला आपका प्योर ट्रांसलेशन है, इसमें तो गेस वर्क करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ले सकते हैं। प्योर ट्रांसलेशन मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट है कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट ले रखा है तो इसमें किसी भी पॉइंट की आप वेलोसिटी दिखाओगे तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी आपकी सेम होनी चाहिए। अगर हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं है तो ये ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है, ये ट्रांसलेशन रोटेशन का कॉम्बिनेशन होगा। तो हर एक पॉइंट की आप वेलोसिटी दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, कुछ भी चेंज मत करना।
दिखाओ कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, सेम है हर एक पॉइंट की. तो इस केस में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिखनी तो हम इसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको के ई टी लिख रहे हैं, ठीक है. एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ डी एम इंटू वी स्क्वायर. और इसको जब आप लिखोगे तो हाफ ऑफ वी तो सबके लिए कॉमन है, तो ये इंटीग्रेशन सिर्फ डी एम का होगा और वी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा. तो सिंपली क्या हो गया, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर जो एक्सपेक्टेड था, ठीक है. ये तो ठीक है. अब दूसरे पार्ट में आते हैं, प्योर रोटेशन पे. प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन का मतलब आपको याद होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होनी है. तो मैं ऐसा एक सिचुएशन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे. ये कोई भी एक आर्बिट्री शेप का मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है और ये इमेजिन करो कि ये इसका एक्सिस है यहाँ पे. इस एक्सिस के अराउंड हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है. ऊपर में एक छोटा सा होल दिखाया है ताकि वो थ्री डायमेंशनल व्यू जैसा लगे कि यू नो कि एक्सिस इसके थ्रू पास कर रहा है. अब इस एक्सिस के अराउंड हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है. ये ध्यान रखेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा फिक्स्ड है, ठीक है. दिस इज फिक्स्ड, ये मूव नहीं करा सकते. अब इस केस में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर आप एक सर्टेन डिस्टेंस आर पे एक एलिमेंट चूज करते हो, यू चूज एन एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर, तो आपको पता है कि यहाँ का एक जो छोटा सा एलिमेंटल मास डीएम होगा, ये डीएम मास आर रेडियस के सर्कल में चक्कर काट रहा होगा. हाँ सर, समझ आ रही है आपको. तो अगर ये आर रेडियस के सर्कल में चक्कर काट रहा है तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ओमेगा होगी या नहीं होगी, होगी. सो दिस वी विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू आर लिखेंगे स्मॉल आर, ठीक है. तो अब अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो के ई आर लिख रहे हैं, ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ डी एम इंटू वी स्क्वायर. अब वी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, इस बार वी कॉन्स्टेंट नहीं है. सो हाफ ऑफ डी एम एंड इंटू वी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इंटू आर, एंड इसका स्क्वायर कर दिया. इस बार ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, ये नहीं है. इसको लिखेंगे तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एक साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, है ना. हाँ सर. अब एक चीज थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करो, ट्रांसलेशन में जो वी होता है रोटेशन में वही रोल तो ओमेगा प्ले करता है, करता है नहीं करता, करता है सर. तो ट्रांसलेशन में जब हम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर करके लिख रहे हैं और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हम हाफ ऑफ समथिंग इनटू ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं, तो एक चीज पक्का है ना कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म हमें दिख रहा है ये सिमिलर टू मास ऑफ ट्रांसलेशन को एक टर्म है रोटेशन के लिए. नहीं, हाँ, हाँ, सर, हाँ. जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है वहां पे और यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ समथिंग इनटू ओमेगा स्क्वायर है. तो ये जो समथिंग हम कह रहे हैं ये एग्जैक्टली वही रोल प्ले करेगा रोटेशन में जो मास प्ले करता है ट्रांसलेशन में. आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर. हाँ सर. तो ये वाला जो टर्म है इसको उन्होंने एक नाम दिया जिसको उन्होंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इसको हमने क्या किया, इसको हाफ ऑफ आई से इंडिकेट किया एंड आई के सबस्क्रिप्ट में मैं ए ओ आर लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंडेंट होगा कि मतलब किसके अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हो, एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर लिख दिया. सो जब आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको क्या करना है, हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर कर लेना है. ये आपके लिए भी नया टर्म हो गया और ये आई का सिग्निफिकेंस आपको ऑलरेडी बताया, वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर. ये तब करेंगे आप जब आपके पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा. दिस विल बी फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर ये डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इंटीग्रेशन आपका समेशन से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर. दिस इज फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम, ठीक है. एंड जो आर आप लिख रहे हो ये देखोगे अगर आप, तो आर क्या है, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, दिख रहा है आपको. हाँ सर, एलिमेंट का. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी हम किसी पॉइंट के अबाउट नहीं निकालते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसके अबाउट निकालते हैं, एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, ठीक है. तो जो आर आपको लेनी है
ये आर आपको उस एलिमेंटल मास का एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हां सर। ठीक है, सो यहां पे हियर आर फॉर एलिमेंटल मास डीएम, एलिमेंटल मास डीएम और आर आई फॉर मास एम आई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर मास फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एंड आई ए आर का नाम क्या बताया आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई ए ओ आर जो हमने लिखा था, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शियल लिख दिया था, इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और आपको ये ऑलरेडी बताया, इट हैज द सेम रोल टू प्ले, इट हैज द सेम रोल टू प्ले, रोल टू प्ले इन rotational motion of an object, rotational motion of an object which is played by mass in translation, mass in translation। जैसे अब इससे मतलब क्या निकल रहा है, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोल तो दिया बट इससे मतलब क्या निकल रहा है आप ये सोच के देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। जैसे अगर आप सोच के देखो कि जैसे दो मासेस आपको दे देते हैं कोई और बोलते हैं कि इन दोनों मासेस को में से किसको एक्सेलरेट कराना आसान है, किसको एक्सेलरेट करना आसान है, तो आप क्या बोलते हैं? जिसका मास कम होगा उसको एक्सेलरेट करना आसान होगा, बोलते नहीं बोलते? सेम तरीके से अगर इमेजिन करो कि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ इनको रोटेट करना है, मतलब इसको एंगुलर एक्सेलरेशन देना है, तो बताओ किसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन देना हमारे लिए आसान होगा? तो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन देना आसान होगा जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम आएगा। आपको समझ आया क्या बोला मैंने? ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे यू नो फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब क्या जब हम कह रहे हैं कि सेम रोल प्ले कर रहा है तो उससे क्या मतलब निकल रहा है। बट एक बेसिक सा डिफरेंस भी है उन दोनों के बीच में, जैसे मास जो है, क्या मास कभी भी एक्सिस पे डिपेंड करता है कि हम कहां से देख रहे हैं? नहीं, बट ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये मास पे तो डिपेंड कर रहा है, बट मास का डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस उस पे भी डिपेंड कर रहा है या नहीं? हां सर, कर रहा है। अगर आप मासेस को पास लेके आओगे तो आर घट जाएगा, अगर आर घटेगा तो फिर एम आर स्क्वायर का वैल्यू घटेगा या नहीं घटेगा? ठीक है, वही चीज अगर मास को आप दूर लेके चले जाओगे तो mr स्क्वायर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये सिर्फ और सिर्फ मास पे अकेले डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ साथ में ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि मास को आपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अगर आप मासेस को अगर एक्सिस के पास रखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगी, और अगर दूर भेज रखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगी। आई होप आपको समझ आ रही है। ठीक है, the moment of inertia, moment of inertia is dependent on the mass of the elements of system, or do sir distribution of the elements of the system with respect to the axis of rotation. If the elemental masses are brought closer, then moment of inertia will decrease, and if they are brought
pushed away. Pushed. Pushed away from axis of rotation, then MOI increases. Clear is up to? हाँ सर. अगर सपोजली आपको जैसे देखता हूँ कि आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, इमेजिन करो कि आपके पास एक इमेजिन करो आपको एक एनुलर डिस्क बनाना है. एनुलर डिस्क मतलब कि ऐसा एक डिस्क जो बीच में खाली हो, इसको एनुलर डिस्क कहते हैं. ये एक एनुलर डिस्क है, ठीक है. अब किस एनुलर डिस्क में आपको दो मटेरियल रखना है. यू आर सपोज टू कीप टू मटेरियल. जैसे मान लो यहाँ पे एक मटेरियल है, this is one material, बीच में खाली है, this is one material, and say, ये वाला पार्ट आपका दूसरा material है. मैंने आपको ये दे रखा है कि इनमें से एक जो है ये कॉपर है और एक जो है वो एल्यूमिनियम है. ये मैंने आपको दे रखा है, one of them is copper and the other one is aluminium. अगर आपको moment of inertia ज्यादा रखना है तो किसको अंदर रखो या किसको बाहर रखोगे? एल्यूमिनियम को अंदर और कॉपर को बाहर. हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रखना है या कम रखना है? ज्यादा. ज्यादा रखना है. तो ज्यादा रखने के लिए जो हैवी है ना, सर आपने अभी क्या बोला वो कट गया. हाँ सर कट गया, वॉइस कट गया. मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा रखना है, इसका मतलब क्या है कि जो हैवी एलिमेंट्स होंगे उनको दूर रखना पड़ेगा. अब कॉपर और एल्यूमिनियम में से ज्यादा डेंसिटी वाला कौन है? कॉपर. कॉपर, इसका मतलब कॉपर के एलिमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा? दूर रखना पड़ेगा और एल्यूमिनियम को पास रखना पड़ेगा. मतलब इनर वाला क्या होना चाहिए? एल्यूमिनियम. एंड आउटर वाला क्या होना चाहिए? आपका कॉपर होना चाहिए. समझ आई? क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था मतलब? अगर मान लो कि दो मटेरियल आपको दे रखा है कॉपर और एल्यूमिनियम, और ऐसा एक एनुलर डिस्क बनाना है सच कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रखना है? अंदर में एल्यूमिनियम या फिर बाहर में एल्यूमिनियम? ये बस क्वेश्चन. ठीक है सर. सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो फिर तो एक्सीलरेट करवाना मुश्किल होगा ना. हाँ ठीक है सर. ठीक है, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन देना मुश्किल होगा. हाँ वही एक्सीलरेशन. ठीक है. तो आपने देखो, मैंने आपको दो कैटेगरी अभी समझाया. एक है आपका ट्रांसलेशन का जिसमें आपको हाफ एमवी स्क्वायर करना होता था, एक प्योर रोटेशन का जिसमें आपको हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर करना है. ये भी आपको बताया. और अब हम तीसरे कैटेगरी पे जाएंगे जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन हमें दोनों दिख रहा होगा, दोनों ही दिखेगा अभी. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? जो ज्यादा डेंसिटी का है उसको आप बाहर की तरफ रखेंगे और जो कम डेंसिटी का है उसको अंदर की तरफ रखेंगे. कॉपर का डेंसिटी ज्यादा है इसलिए आप बाहर की तरफ रखोगे ताकि वो हेवियर एलिमेंट्स एक्सिस से दूर की तरफ जाए और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ज्यादा मिले. क्योंकि मैंने क्वेश्चन यही पूछा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रखने के लिए किसको अंदर और किसको बाहर रखेंगे आप. ठीक है, अब ठीक है तो बोल दो. हाँ सर समझ गया. ठीक, अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे. ठीक है, ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. ट्रांसलेशन भी हो रही है और रोटेशन भी हो रही है. अब इसका एक्सप्रेशन मैं डिराइव नहीं करूंगा, ये डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा. ठीक है, क्योंकि ये सुपरपोजिशन से ही करेंगे. मतलब यहाँ पे सिचुएशन ये होगा जनरली कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का जनरली आपको वेलोसिटी पता होगा. तो इसकी वेलोसिटी आपको पता होगी. ठीक है, दिस इज वी सी वन, ये पता होगा आपको. और इस ऑब्जेक्ट का एक एंगुलर वेलोसिटी होगा वो भी पता होगा. सो ओमेगा भी पता होगी. तो इस केस में अगर आपसे पूछे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी इसको आप दो पार्ट्स में सोचो. एक है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल
काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस दूसरा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. और इस केस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो एग्जैक्टली हाफ ऑफ एम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर करना है. ठीक है, इस बार भी सारे पॉइंट का अलग है तो वी जो लेना है आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते वक्त आपको हाफ एम वी स्क्वायर करना है. ठीक है, और दूसरा अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपको हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास लेना है एंड फिर आपको ओमेगा स्क्वायर कर लेना है. आपको समझ आई क्या बोला मैंने? हां हां सर हां. तो सिंपल सा रूल याद रखो कि अगर आपके पास सिर्फ ट्रांसलेशन है तो हाफ एम वी स्क्वायर करते हैं, सिर्फ रोटेशन है तो हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर करते हैं. और अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों ही हो रही है, दोनों ही हो रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है, हाफ ऑफ एम इनटू वीसीएम का स्क्वायर करना है एंड प्लस हाफ ऑफ आईसीओएम सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर कर लेना है. आई होप आपको समझ आ रही है. ठीक है, देखो इसको एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ. देखो इसमें एक आईसीआर का अच्छा कंसेप्ट है. देखो इमेजिन करो कि अगर मैंने आपको बोला कि इसका आईसीआर लोकेट करो, तो आईसीआर लोकेट करने का तरीका आपको याद है? हाँ सर. देखो वेलोसिटी ये मुझे पता है तो इस वेलोसिटी पे देखो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ. ठीक है, अब मेरे पास दो पॉइंट तो ऐसा नहीं है जिसका मुझे वेलोसिटी पता है, तो इसलिए मैं एक ही पॉइंट से काम चलाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो देखो अगर मैं हर एक पॉइंट की बात करूँ तो जैसे सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर हर एक पॉइंट की वेलोसिटी लिखे, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी, तो ओमेगा आर करके बैकवर्ड्स लगाना पड़ेगा मुझे नीचे की तरफ, है ना? हाँ सर. हाँ, आप क्या करो यहाँ पे, आप इमेजिन करो अपने आपको यहाँ पे सिचुएटेड हो. ठीक है, तो आप क्या करोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा इनटू आर ऐड करते जाओगे या नहीं करते जाओगे? हाँ सर, करते जाओगे. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो देखो लीनियर वेलोसिटी ओमेगा आर वाला जो कंपोनेंट है वो बढ़ता जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है आपको? हाँ सर. ठीक है, और फिर जब ग्राउंड फ्रेम में आओगे तो यही वाला वी जो आपने वीसीएम दिखा रखा है उसको ऐड करना पड़ेगा नहीं वेक्टोरली आपको? हाँ सर, पड़ेगा. अब देखो ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पे वी और ओमेगा आर कैंसिल कर जाएगा. देखो ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पे कैंसिल कर रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर. हाँ, दिख रही है सबको? हाँ सर. इस पॉइंट से पहले जो है वो वी ओमेगा आर से बड़ा है और उस पॉइंट के बाद जो है वी ओमेगा आर से छोटा है, दिख रही है आपको? दिख रही है? यस यस सर. तो क्या यही पॉइंट, ये वाली पॉइंट जो है, क्या यही आईसीआर है या नहीं है? हाँ सर है. इसका मतलब इसके अबाउट आपको रोटेशन कैसा दिखेगा, प्योर रोटेशन दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट का? यस है ना. अब अगर सोच के देखो, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, लेट अस से ये आपका आईसीआर का डिस्टेंस है यहाँ से. ठीक है, जैसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मार्क कर लेते हैं. ठीक है, ये एक्स जो है ये डिस्टेंस ऑफ distance of ICR from COM. ठीक है, okay. तो इस केस में देखो आप यहाँ पे ओमेगा इनटू एक्स और ये वी सी एम इक्वेट करते हैं नहीं करते? करते सर. हाँ, सो देखो वी सी ओ एम इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एक्स कर लिया हमने. तो देखो अभी आप इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो, ये हाफ ऑफ एम इनटू VCOM का स्क्वायर. अच्छा, VCOM को ही चेंज कर देते हैं, VCOM को लिख सकते हैं ओमेगा इनटू एक्स का होल स्क्वायर. लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं. ये हो जाएगा हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर. इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर ब्रेक करते हैं कुछ ऐसा हो जाएगा, हाफ ऑफ आई अबाउट COM प्लस एम एक्स स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं. ये जो टर्म है ना, जो अब आपको ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दिख रहा है ICM plus MX square, ये पता है आपको किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICR है. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICR. ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है. ये थ्योरम अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में क्या है ये थ्योरम. थ्योरम ये कहता है कि जैसे अगर आपको कोई भी सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसके पैरेलल अगर आप कोई भी एक्सिस चूज करते हो, कोई भी एक्सिस जो कि x डिस्टेंस पे है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको ICOM plus m into x square करना पड़ता है, जहां पे x क्या है, उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एक्सिस. तो ये बेसिकली आपका क्या बना, दिस बिकम्स हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICR एंड इनटू क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर. अगर आप देखोगे
तो इस बार क्या मैंने ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन लिखा है या प्योर रोटेशन का केस लिखा है? लास्ट लाइन देखो, प्योर रोटेशन इसका मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. आईसीआर के रिस्पेक्ट में देखें तो वो कैसा है? प्योर रोटेशन पे है ना. और प्योर रोटेशन पे इसका मतलब कि उस केस में आप डायरेक्टली उसके लिए हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आईसीआर इनटू ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं. आर यू गेटिंग इट? यस सर. ठीक है, तो अब आप ये ध्यान रखना, आपके लिए दो एक्सप्रेशंस मैंने आपको बताए यहाँ पे. ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको एक तो तरीका आपको ये बताया, हाफ ऑफ एम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर करो प्लस हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर करो. या फिर इसी को करने का एक दूसरा तरीका है, हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आईसीआर एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर करना है. ये दोनों ही इक्वेशन जो है वो सेम है. एक में आपको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि दो पार्ट को आप निकाल के ऐड कर रहे हो, और दूसरे पार्ट में आपका एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा. बस वहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन सीखना है, वो तो अभी सिखाया नहीं मैंने अभी तक आपको, वो तो अभी आगे आगे का पार्ट है अभी. आई होप आपको यहां तक तो समझ आ गई. हां सर. ठीक है, ओके. अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन जो थ्योरम से वो आपको बता देता हूं. थ्योरम्स रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस. दो थ्योरम है, पहला पैरेलल एक्सिस थ्योरम. देखो जनरली क्या होता है ना कि आप सेंटर ऑफ मास वाला जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो आप याद रखते हैं. सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सारे ऑब्जेक्ट्स का याद रखना पड़ेगा. जैसे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आप याद रखते हैं, या नहीं रखते? हाँ रखते हैं. तो वैसे ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू भी आपको याद रखना पड़ेगा. आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम झटपट याद मतलब यू नो लिखना चाहिए. जो भी रिजल्ट बनेगा वो तो अभी बनाया नहीं मैंने, बट सेंटर ऑफ मास वाला ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको हमेशा याद रहना चाहिए. तो अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जैसे अगर मान लो आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी आर्बिट्री शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर रखा है, कोई भी एक ऐसा एक्सिस मान लो मार्क कर रखा है. वी हैव टेकन वन सच एक्सिस, जो इमेजिन करो कि इसके सेंटर ऑफ मास से होते हुए जा रहा है. ठीक है, ये जो एक्सिस मैंने मार्क किया, मान लो ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है. ठीक है, दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू सी अर्थ. एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. ठीक है, और हमने क्या किया, एक और एक्सिस ऐसा ले लिया जो इससे पैरेलल है. मतलब यहाँ पे एक पैरेलल बना देते हैं. क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ सर. ये वाली जो मैंने दिखा रखी है, ये वाली, इसको हम कह सकते हैं दिस इज एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. आपको समझ आ रही है ना डायग्राम देख के? हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. हाँ. अब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखा है. ये डिस्टेंस आपको दे रखा है डी ए. ठीक है, दिस इज गिवन. ये डी है सेपरेशन इन दोनों के बीच. तो अगर ये रूल ये कहता है कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो फिर अब आप पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए, जैसे इस पैरेलल एक्सिस को मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी कह लेते हैं, लेट अस से दिस इज ए बी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी अगर चाहिए तो आप ये लिख सकते हैं, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी वन एन प्लस एम इंटू डी स्क्वायर. ये थ्योरम कहता है. सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स कि अगर आपको कोई भी ऐसा एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, ठीक है, जिसको हमने आईसीएम मार्क कर रखा है, तो इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस को अगर चूज करते हो जो डी डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सिंपली आप लिखोगे आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर. समझ आया आपको क्या बोल रहे हैं? हाँ सर. अगर आप देखोगे तो यही, अगर आप देखोगे तो यही पार्ट मैंने यहाँ पे यूज किया था या नहीं किया था, देखो. हाँ सर.
दिख रही है सबको? यस सर, दिख रही है। देखो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल, सेंटर ऑफ मास के पैरेलल वो आईसीआर शिफ्टेड है और आईसीआर जो है उसके साथ एक्स डिस्टेंस पे है, तो आईसीएम प्लस एमएक्स स्क्वायर, ये क्या बना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आईसीआर बन गया। समझ आया सबको? हां सर। ठीक है, तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसमें लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि कोई भी आर्बिट्री दो एक्सिस नहीं हो सकते, कोई भी आर्बिट्री दो एक्सिस जो पैरेलल है उसके अबाउट ये नहीं लगा सकते आप। इसमें से एक पक्का है आपका सेंटर ऑफ मास वाला होना ही चाहिए, सेंटर ऑफ मास वाला होना ही चाहिए। और अगर आपको सेंटर ऑफ मास वाला पता है तो फिर उसके साथ आप एम डी स्क्वायर ऐड करोगे तब आपको दूसरा वाला का मिलेगा। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एनी टू आर्बिट्रली चोजन पैरेलल एक्सिस, वन ऑफ देम हैज टू बी एन एक्सिस पासिंग थ्रू COM। ठीक है, ये एक मैंडेटरी सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। लिमिटेशन ये है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर, लिमिटेशन इट कैन नॉट बी अप्लाइड for any two arbitrarily chosen parallel axes, one of them has to pass through COM. ठीक है, तभी आप ये theorem लगा सकते हैं। ये है पहला theorem। ठीक है, parallel axis theorem। अब दूसरे आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। द सेकंड इज परपेंडिकुलर का प्रूफ का क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? ना प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो फिर मैं आपको बाद में ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा कैसे उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, ठीक है, हां यस सर। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट से ये लगता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, एप्लीकेबल ओनली फॉर लैमिनर ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट मतलब लैमिनर है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली आपका प्लेट होना चाहिए, प्लेट का जैसे स्ट्रक्चर, प्लेट है, डिस्क है, इन सब के लिए लगा सकते हैं। स्फीयर है उसके लिए नहीं लगा सकते, सिलेंडर है उसके लिए नहीं लगा सकते। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए लगती है, जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबके लिए एप्लीकेबल है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल शेप्स एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एप्लीकेबल फॉर ऑल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, 2D 3D सब कर लिए, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसे एक 2D ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि हमने बना रखा है, जैसे ये हमारा एक 2D ऑब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू देने के लिए थोड़ा सा मैं इसका थिकनेस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब ये थिकनेस को नेगलिजिबल अज्यूम करना। ठीक है, ये थिकनेस मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फील आए कि ये 2D ऑब्जेक्ट है। आपको समझ आ रहा है अभी थोड़ा सा? हाँ सर, हाँ। ठीक है, थिकनेस को आप नेगलिजिबल कंसीडर करना, मतलब मोटा नहीं, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर आपने तो बोला था 3D नहीं होना चाहिए, ये 3D हो गया। ओके, अब इसमें क्या करो, आप कोई भी दो एक्सिस ले लो जो इसके प्लेन में लाई करता है, टेक एनी टू एक्सिस व्हिच आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे एक एक्स एक्सिस ले लिया और एक वाई एक्सिस ले लिया और ये दोनों इसके प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो ऑब्वियसली अपना 2D ऑब्जेक्ट जो हो गया वो XY प्लेन में हो गया ना। हाँ सर, हाँ। ठीक है, XY प्लेन में, तो तीसरा एक्सिस जो है ये तीसरी एक्सिस है, ये इससे परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो गया ना। हाँ सर, कोई नहीं हुआ, ये इस प्लेन के साथ ही आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये देखो सर, इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? यस सर। अब ये थ्योरम क्या कहता है,
अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस चाहिए तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस अगर पता है तो उनको ऐड करने से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस डायरेक्टली मिल जाता है. सिंपल सा रूल है. मतलब कि जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस उसके प्लेन में है उन दोनों का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो फिर तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं वहां पे पहला दोनों जो एक्सिस जो आपने प्लेन में चूज किया था उनका सम कर दोगे तो आपको तीसरे वाले का मिल जाएगा. इसका प्रूफ बहुत आसान है. इसका प्रूफ दिखा देता हूँ. बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ. टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे. जैसे ये सोच के देखो, इसका अगर टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू में ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है आपको? जैसे ये शेप है, सोचो कोई भी एक आर्बिट्री शेप का मैंने ड्रॉ किया था, तो ये हमारा शेप था और इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने चूज किया था. तो ऐसा ही मैं मान लेता हूँ फिर से, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये सोचो हमारा एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो जेड एक्सिस हमारे लिए आउट ऑफ द प्लेन है या नहीं है? होगा ना? हाँ सर. और x एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? y. y. Yes sir. Right? तो अगर आपको कोई पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस कितनी है, तो आपको याद है क्या करना पड़ता था? इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square, जहाँ पे r उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, याद है? हाँ सर. तो y एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? x है ना, x का स्क्वायर करना पड़ेगा. समझ आया? हाँ सर. यस सर. वैसे ही अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस चाहिए तो क्या करेंगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ dm into y square करेंगे ना? हां सर करेंगे. अब अगर आपको z एक्सिस के अबाउट चाहिए तो z एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? देखो तो क्या ये r होगा ना? इसको अगर मैं r डिस्टेंस की तरह मार्क कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये रूट अंडर x square plus y square है या नहीं है? यस सर. एक्सिस चाहिए तो आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square. और जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ dm into क्या हो गया? x square plus y square हो गया. और देखो ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dm into x square plus इंटीग्रेशन ऑफ dm into y square. क्या बना ये? ix plus iy बन गया या नहीं बन गया? हां सर. हां सर. ठीक है. तो ये आसान था, ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ इससे, इसलिए मैंने आपको बताया, अदरवाइज नहीं बताता ये भी. ठीक है, तो इन जनरल आपको ये दोनों थ्योरम आपको याद रखनी है. ठीक है, ये थ्योरम के हेल्प से आप बेसिकली सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन कर पाएंगे, सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन कर पाएंगे. बट आपको स्टैंडर्ड वाले याद होने चाहिए. स्टैंडर्ड वाले मतलब कि जो भी सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करता हुआ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सारा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है और वो आपका पहले से आपको याद रहना चाहिए. वो हर एक शेप के लिए फिक्स्ड है सेंटर ऑफ मास के जैसा? हाँ बिल्कुल. तुम सोच के देखो ना, अगर अगर हमारे I का वैल्यू आता है 2/5 m स्क्वायर, वो वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा. तो हाँ हाँ, उसको याद रखना पड़ेगा आपको. वैसे ही वैसे जैसे आपने सॉलिड स्फीयर का एक बोला है वो याद रखना है, तो वैसे ही आपको सारा याद रखना है. जितने भी स्टैंडर्ड शेप है ना, जैसे सिलेंडर में आपको बताऊंगा कौन कौन से याद रखने हैं, सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, रिंग, ये सब जो है एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड है. इन सब के लिए आप डिराइव नहीं करते हैं, क्योंकि डिराइव करने जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा. एक 5-5 मिनट का कैलकुलेशन एक एक का ही है. अगर आप सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाओगे ना, तो आपको 5 मिनट कम से कम लग जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करने में. तो इतना टाइम किसके पास होता है? टाइम इतना वेस्ट नहीं करते हैं हम, चटपट से ये रिजल्ट याद रखते हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे मास, अगर कोई बोले मास किसी चीज का याद नहीं रखना है, वो सब आपको यू नो एकदम बिल्कुल यू नो क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा होता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ डेटा नहीं होता है, वो आपको अज्यूम करना है कि आपको यू नो आता है, मतलब वो मान के चलना है कि आपको आता है. समझ आ रही है? दे सकते थे तो क्वेश्चन क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं देते देंगे वो क्वेश्चन में, नहीं देंगे वो. यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन ही खुद एक क्वेश्चन आता है कि इसका इस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताओ, उस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताओ. तो ये क्वेश्चन की तरह ही आ जाते हैं कई बार. आप उसमें वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन ही दे देते हैं आपको. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन जो आता है वो बेसिकली थ्योरम यूज करके आपको निकालना होता है. कि जैसे सेंटर ऑफ मास वाला आपको पता है और बाकी के लिए अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो वो थ्योरम यूज करके आपको निकालना पड़ता है. जैसे सेंटर ऑफ मास में भी आपने कटिंग आउट का क्वेश्चन किया था, याद है आपको? एक शेप में से कुछ काट के बाहर निकाल दिया उसका. हां सर. तो वैसे
तो वैसे ही क्वेश्चन आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक एक रेगुलर शेप से कुछ कुछ पार्ट को काट के निकाल दिया और उसके बाद फिर बोला कि बताओ रिमेनिंग पोर्शन का काउंटर फिनिशर कितना होगा. तो सेम आपको क्वेश्चंस यहाँ पे भी हैंडल करना पड़ेगा. तो वो हैंडल करने के लिए तो स्टैंडर्ड तो पता होना चाहिए ना, है ना? हाँ सर. ठीक है, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. इसमें सेंटर ऑफ मास, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन इसकी फर्दर आपको कराऊं, इससे पहले आपको एक बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता देता हूं. ये भूल ही जा रहा हूं बार-बार. इसको COG कहते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जैसे सेंटर ऑफ मास को COM कहते हैं, वैसे इसको COG कहते हैं. So COG is that particular point for a given mass system where the entire weight of the system can be assumed to be acting. तो इसका लोकेशन अगर आपको निकालनी है, पोजिशन वेक्टर ऑफ COG अगर निकालनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम हुआ तो आपको क्या करना है, समेशन ऑफ MIGI into RI and divided by summation of MIGI. और अगर यही कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो इंटीग्रेशन ऑफ dm into g into r vector and divided by integration of dm into g. समझ आया आपको क्या बोल रहा हूँ? बस डिफरेंस क्या है, देखो फॉर्मूला में एक g एक्स्ट्रा आ गया, दिख रहा है? हाँ सर. ठीक है, अब अगर g कांस्टेंट है, मतलब g जो है वो हर जगह सेम वैल्यू है, तो जी को हम कांस्टेंट में समेशन से या इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं या नहीं? निकाल सकते हैं. और उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, करेगा ना? ठीक है, सो इफ ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म मतलब इसका मतलब है ये तभी होगा व्हेन वी स्टैंड या व्हेन the height of object is not comparable to Earth's radius. अगर Earth की radius से comparable नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? Then जो position vector of COG है, this will be equal to position vector of CO, ठीक है? Else अगर आपका जी यूनिफॉर्म नहीं है, इफ ग्रेविटी इज नॉन यूनिफॉर्म देन फॉर हाइट. सर आप ये क्या लिखा है, टू अर्थ रेडियस, बोल भी तो रहा हूं, सुनिए. If gravity is non-uniform, then for height comparable to Earth's radius, as we move away from surface, g ka value decrease karta hai. Thus, the center of gravity, COG, will lie closer to surface than COM. समझ आई सभी को? हाँ सर. इसमें बस थियोरिटिकली आपसे पूछते हैं, इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं आते हैं, बट अगर न्यूमेरिकल इन केस आ गया तो बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, जो भी जी का वैल्यू आपको पता है उन दोनों जगहों पे, तो जी का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अभी आपने तो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट इतना तो मुझे लगता है क्लास 9 10th में आपने ग्रेविटेशन का चैप्टर तो था ना आप लोग के सिलेबस में, या नहीं था?
हाँ सर है ना, आपको पता है कि आपको जब आप सर यू नो जब आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना होता है तो जी एम बाई आर स्क्वायर करते हैं, जहां पे आर आपको सेंटर ऑफ अर्थ से लेना पड़ता है। तो उस केस में जैसे जैसे सेंटर ऑफ अर्थ से आप दूर जाते जाओगे तो आर बढ़ता जाएगा, और आर बढ़ता जाएगा तो उस केस में क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका डिक्रीज करता चला जाएगा। तो जैसे सपोजली किसी ने बोल दिया हम अर्थ के सर्फेस से आर हाइट ऊपर और चले गए, मतलब जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही हाइट और ऊपर चले गए, तो उतना ही हाइट और ऊपर जाओगे तो जी एम बाई आपको टू आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, और जी एम बाई टू आर का स्क्वायर किया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, 1/4 ऑफ सर्फेस हो गया। नहीं हाँ सर हाँ, तो इसका मतलब उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका जी का वैल्यू है जी बाई फोर, समझ आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी बाई फोर एंड सर्फेस पे जी है। तो अगर दो पॉइंट मास सपोजली दे रखा है, एक सर्फेस पे और एक वहां पे, आपने जो सेंटर ऑफ मास में किया था कि टू ऑब्जेक्ट जब दोनों एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों का COM हम दोनों को मिला के एक COM बना रहे थे, वैसे भी क्या COG को हम दोनों डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट्स के COG को ऐड करके वन COG बना सकते हैं? बिल्कुल, मतलब वेट जहां पे ऐड कर रहा है वो मानते हैं इसको, वेट जहां पे ऐड कर रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे M1 और M2 दो मासेस हैं, तो वो दो मासेस के अलग अलग लोकेशन पे जी अलग अलग है, तो आपने अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर लिया तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप मार्क कर रहे हो, उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो भी जी होगा ना, डायरेक्टली टोटल मास इनटू वहां का जी से मल्टीप्लाई कर दो, वो नेट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मिल जाएगा। समझ आई? इसमें बेटा इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल कुछ आते नहीं है, बस थ्योरेटिकली ये पूछते हैं कि बताओ COM और COG में क्या डिफरेंस है, क्या वो दोनों कोइंसाइड करते हैं या नहीं करते। कोइंसाइड तब करते हैं जब जी आप वेरिएशन कंसीडर नहीं करते, मतलब जी का वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं, और अगर दोनों में वेरिएशन है तो ऑब्वियसली जी का वैल्यू आपका क्या है, सर्फेस ऑफ अर्थ के क्लोजर स्ट्रॉन्गर है, और सर्फेस से दूर जाओगे तो वीकर है ग्रेविटेशन ग्रेविटी, इसका मतलब कि नीचे की तरफ आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी शिफ्टेड होगी, बस इतना याद रखना आपको। ठीक है? ठीक। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन पे कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, जहां पे डेरिवेशन लंबा होगा वहां पे मैं डेरिवेशन स्किप करूंगा, मैं रिजल्ट से क्लिक करूंगा वहां पे, ठीक है, बट जहां पे डेरिवेशन छोटा है मैं वहां पे आपको डेरिवेशन दिखा दूंगा। डेरिवेशन के लिए वो आप कोई भी टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पे आपको आराम से मिल जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट करने कोई मतलब ही नहीं बनता, जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उसको सिखाने में मैं आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले आपके लिए ले लेते हैं MOI ऑफ टू पॉइंट मास सिस्टम, पॉइंट मास सिस्टम अबाउट इट्स COM एक्सिस। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास ये सिचुएशन है जहां पे यहाँ पे एक पॉइंट मास है M1, और इमेजिन करो इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक और पॉइंट मास हमने ले रखा है, और ये पॉइंट मास को कहते हैं M2, और इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन हमने दे रखा है, ये आपको R भी दे रखा है, ये सेपरेशन इज R, आपको ये भी बता रखा है M2 ग्रेटर देन M1 है, और आपसे पूछा है कि इसको कनेक्ट करता हुआ जो लाइन है इस लाइन से परपेंडिकुलर एक एक्सिस चूज करो जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना आएगा। तो पहला तो आपको ये पता चलना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे निकालते हैं। आई होप आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन याद है निकालना। हां सर। तो COM कैसे, COM लोकेट कर लिया हमने, आपको ये डिस्टेंस तो याद ही है, इधर से डिस्टेंस निकाले मतलब ये M1 by M1 plus M2 into R होगा ना, और दूसरी तरफ से निकालें तो ये हो जाएगा M2 by M1 plus M2 into R। ठीक है, तो अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो ये तो M1 into R1 का स्क्वायर प्लस M2 into R2 का स्क्वायर, यही करेंगे ना, समेशन ऑफ MIR स्क्वायर, राइट, है ना? हां सर। अब यहां पे ये M1 into R1 का स्क्वायर, R1 है आपका M2 by M1 plus M2 into R, and इसका स्क्वायर करना है, प्लस M2 into R2 का स्क्वायर, which is M1 by M1 plus M2 into R,
into r n s का स्क्वायर करते हैं, ठीक है? हां सर। अब देखो तो कुछ कॉमन आउट हो रही है क्या? क्या वैसे भी सकते हैं m1 m2 पूरा का पूरा कॉमन आउट हो रहा है, डिनोमिनेटर में m1 plus m2 का स्क्वायर भी कॉमन आउट हो रहा है, r स्क्वायर भी कॉमन आउट हो रहा है, और यहां पे बच रहा है m2 plus m1 बच रहा है क्या? हां हां सर हां। देखो तो ये कट गया क्या? कट गया? यस सर हां। एक इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या आ रहा है, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 into r square। ये m1 m2 by m1 plus m2 क्या है? रिड्यूस मास है ना, है ना? हां सर हां। तो डायरेक्टली म्यू r square कर लिया। अब देखो ये रिजल्ट कितना छोटा सा आ गया, छोटा सा आ रहा है रिजल्ट? हां सर हां छोटा। तो ये रिजल्ट आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि आपको अगर दो पॉइंट मास दे रखा है और उसके लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास के अबव, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? म्यू आर स्क्वायर होगी, जहां पे म्यू आपको पता है, म्यू क्या है? m1 m2 by m1 plus m2। समझ आ रही है? यस सर। हां सर। जैसे अगर इमेजिन करो कि अगर सपोजली, मतलब जैसे एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूं इसका, जैसे इमेजिन करो कि अगर ऐसा सिचुएशन है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, और मान लो उसने दे रखा है ये मासलेस रॉड है, ठीक है? ये मासलेस रॉड से ये लोग कनेक्टेड है, और उसने क्या कर रखा है यहाँ पे, एक एक्सिस चूज कर रखा है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है? ये सेंटर ऑफ मास है, और इस एक्सिस के ऊपर क्या किया मैंने, इसको एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देके घुमा दिया, ठीक है? मैंने पूछा कि बताओ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी है। तो अब आपके पास क्या तरीका था? एक तरीका तो यह है कि इंडिविजुअली दोनों का वेलोसिटी निकालो और हाफ m1 v1 स्क्वायर कर लो और हाफ m2 v2 स्क्वायर कर लो, ये तरीका है ना आपके पास? है सर हां। बट अब आप सोचो, मैंने आपको जो तीन कैटेगरी बताया था, क्या उसके किसी एक कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है? हां सर। कौन सा कैटेगरी है ये? सर पीएन रोटेशन। तो रोटेशन का केस है, तो उस केस में आपको क्या लिखना चाहिए था? हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो यहां पे तो COM ही है, इनटू ओमेगा स्क्वायर कर सकते थे ना, राइट? हां सर। और इसको अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, हाफ ऑफ म्यू व्हिच इज m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 into r square and into omega square, हो गया आंसर? समझ आया आपको? हां सर। अब देखो ये काम आसान हुआ ना, अगर आपको रिजल्ट याद है तभी तो आसान है ना, रिजल्ट याद नहीं है तो फिर तो आप लंबा करेंगे ना आप। यस सर। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको इसलिए कह रहे हैं कि याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो ये हमने एक कर लिया, ठीक है? वी हैव डन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू पॉइंट मास सिस्टम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस। दूसरे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ, एक बार स्क्रॉल अप करेंगे, लास्ट लाइन छूट गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम रिंग कह रहे हैं इसका मतलब आपको ऐसे विजुलाइज करनी है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मैंने ड्रॉ किया एलिप्स की तरह, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है? ये हमारा रिंग है और इसमें हमारी जो एक्सिस है वो ऐसी है सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रही है। आप समझ रहे हो उसको मैंने थोड़ा टेढ़ा क्यों ड्रॉ किया है, थोड़ा थ्री डायमेंशनल व्यू के लिए ड्रॉ किया है, आपको समझ आ रही है ये चीज? हां सर। ठीक है, इसे थोड़ा 3D व्यू आ रहा है, देखो आपको आ रही है थोड़ी 3D व्यू? हां सर आ रही है। ठीक है, इसी वजह से इसको ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ताकि एक्सिस प्रॉपर्ली दिखे हमें, यू नो कि कैसा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है या नहीं? कर रहा है ना? कर रहा है। हां सर। ठीक है, मान लेते हैं इसकी मास और रेडियस भी दी हुई है, मास एंड रेडियस आर गिवन, ठीक है? तो अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं आपसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, बट यहां पे एक सबस्क्रिप्ट में मैं दे रहा हूं, यहां पे परपेंडिकुलर लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर इंडिकेटिंग कि जो एक्सिस हमने चूज किया है वो उस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। समझ आ रही है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करता हुआ तो बहुत सारा एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं? नहीं, बहुत सारा। हां सर कर सकते हैं। हां सर ड्रॉ कर सकते हैं आप, बहुत सारा एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मैं अगर यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं, देखो एक डायमेट्रिक प्लेन, डायमेट्रिक लाइन ड्रॉ किया, देखो क्या ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, नहीं कर रहा है? बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो पहले वाला जो एक्सिस मैंने ड्रॉ किया था, पहले वाला जो एक्सिस ड्रॉ किया था उसके लिए
सारा एलिमेंटल मास देखो सेम डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, आपको दिख रहा है? हाँ सर। क्या आपको दिख रही है? हाँ सर। जो नेचुरल एक्सिस सोचो, इसका अगर टॉप व्यू अगर ड्रॉ करोगे, इसी का टॉप व्यू अगर ड्रॉ करोगे, टॉप व्यू में सोचो आपको कैसा दिखने वाला है। टॉप व्यू में आपको परफेक्ट सर्कल दिखेगा या टिल्टेड सर्कल दिखेगा? परफेक्ट सर्कल। परफेक्ट सर्कल दिखेगा, ठीक है ना? तो आपको ये सर्कल दिख रहा है। और अब सोचो मैंने जो एक्सिस चूज किया था वो सेंटर ऑफ मास वाला चूज किया था और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर चूज किया था, तो क्या यही वाला एक्सिस हुआ? नहीं, जो डॉट बना रखा है क्या वही एक्सिस है? ही नहीं है। Yes, sir. और इसके रिस्पेक्ट में देखो ये सारे एलिमेंटल मास जो है, जैसे अगर सपोजली मैं यहाँ पे r डिस्टेंस पे जाके, ये r तो फिक्स है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल मास चूज किया, इसको मैं dm कह रहा हूँ, तो ये dm का डिस्टेंस यहाँ से फिक्स है या नहीं? सोचो सारा dm का डिस्टेंस आ रही तो है या नहीं है? हाँ सर है। इसके लिए अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते, DICOM अगर लिखते about the axis which is perpendicular to the plane, तो क्या लिखते आप? dm into r square लिखते। और अगर आपको net moment of inertia चाहिए तो क्या करते आप? integration of dm into r square करते या नहीं करते? r square तो constant है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो integration of dm into r square बचेगा ना, होगा? अच्छा, ये simply mr square, क्या ये simply mr square होगा या नहीं? हुआ सर। इसका मतलब इससे एक अच्छी चीज क्या दिख रही है? अगर सारे मासेस, सारे एलिमेंटल मासेस सेम डिस्टेंस पे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, तो कहीं पे भी रहे ये मैटर नहीं करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली आप क्या लिख सकते हैं? mr² लिख सकते हैं ना? आपको समझ आ रही है? हां सर। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म भी रिंग भी होता, नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब है जैसे एक हाफ मान लो m/4 का है और दूसरा हाफ 3m/4 का है, तो भी क्या इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फर्क पड़ता? नो सर, नहीं। बट हाँ, एक चीज डेफिनेट होता है कि उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं लाई करता, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे तो लाई नहीं करता। करता क्या? नहीं करता, क्योंकि मैंने क्या आपको क्या बोला, एक हाफ आपका m/4 का है और दूसरा हाफ 3m/4 का है, इसका मतलब है कि जो 3m/4 है उसकी तरफ आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होता, बट ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते क्या mr² ही होता या नहीं होता? हां सर, वो mr² समझ आ रही है? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू टीच ओवर हियर, कि जब भी आपका कोई भी एक्सिस से सारे एलिमेंटल मासेस का डिस्टेंस अगर फिक्स होता है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सिंपली m into r² लिख लेते हैं। समझ आई आपको? यस सर। अब सपोजली आपको डायमीटर वाला एक्सिस का निकालना है, तो अब उसको निकालने के लिए क्या करोगे? क्या हम कोई थ्योरम यूज कर सकते हैं? क्या सोच के देखो, कैन वी यूज सम थ्योरम? हां सर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट? हां यस सर। देखो मैंने क्या किया, देखो दो ऐसे एक्सिस चूज कर रखे हैं जो उसके प्लेन में, आपको दिख रहा है? कैन यू सी इट? यस सर। हां, है ना? तो अगर मैं सोचो इसको, अगर एक को चूज करूं ये एक्स एक्सिस है, और इसको सोचो दूसरे वाले को अगर चूज कर लूं ये वाई एक्सिस है, तो तीसरा वाला जेड एक्सिस हो गया? नहीं हो गया, हो गया नहीं सर। और अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखोगे तो दोनों आइडेंटिकल एक्सिस है। आइडेंटिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों ही तो डायमीटर है। समझ आ गया सर? हां हां सर। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस लिखे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस लिखे, दोनों ही सेम होगा। तो इसको मान लेते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, बट दिस इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। समझ आ रही है इसको क्या कह रहे हैं? समझ आ रही है? और जो दूसरा जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है वो तो जेड एक्सिस वाला है, तो अब हम अगर ix = ix + iy = iz लिखे तो क्या इससे हमें ये नहीं मिल जा रहा है कि moment of inertia about COM parallel जो है, that will be moment of inertia about COM perpendicular का half? आ रहा नहीं है? हाँ सर। हाँ yes sir। इसका मतलब diametric के about कितना हो गया? mr² / 2 हो गया। Are you getting it? Yes sir। हाँ sir। Yes sir। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। आप जो भी कहीं पे अगर doubt हो रहा है तो पूछ लो, कोई बात नहीं है। तो ये part एक बार explain करेंगे, ये IX वाला part। जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है, क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है? हां सर। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है ये बताओ? ix + iy = iz। वही तो लिखा है देखो। अब ix और iy सेम है तो 2icom पैरेलल नहीं लिख सकते उसको? अच्छा अच्छा, हां तो वही लिखा हमने। ठीक है ठीक। हां अभी देखो, सपोजली अगर आपको किसी ने बोला ये वाला एक्सिस का निकालने के लिए, देखो इधर ये वाली एक्सिस,
आप ये एक्सिस का बता सकते हैं कितना आएगा? डायग्राम समझ आ रहा है आपको कैसा है? सही कह रहे हैं, 2mr स्क्वायर आएगा। समझ आ रही है सबको? अब आपको कौन सा थ्योरम यूज करना था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना था, क्योंकि आपको z एक्सिस के साथ तो ये पैरेलल दिख ही रहा है, तो ये डिस्टेंस आपका r है। तो इस केस में अगर इसके अबाउट मोड डिफरेंशिएशन निकालना होता तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको ए बी नाम दे देते हैं, तो मोड डिफरेंशिएशन अगर अबाउट ए बी निकालनी होती तो आप इसको कैसे लिखते हैं? बी एम आर स्क्वायर एन प्लस एम आर स्क्वायर एंड दैट वुड बी टू टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर। समझ आ रही है सभी को? सर एक तो डाउट है। हाँ बोलो सर। ये एक्सिस क्या कुछ टिल्टेड ऐसे भी हो सकता है? टिल्टेड वाला आपके लिए पूछेंगे नहीं बेटा, टिल्टेड वाला आपके लिए नहीं पूछेंगे, वो सब ग्रेजुएशन में पूछते हैं, मतलब प्लस टू लेवल पे नहीं पूछते। ओके सर। टिल्टेड वाले एक्सिस के लिए आपसे नहीं पूछते, ठीक है ना? इंजीनियरिंग वाले में ना मेडिकल वाले में नहीं पूछेंगे, होते हैं वैसे बट वो हमारे काम के नहीं है। इमेजिन करो कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म दिया हुआ है, इसमें मान लेते हैं इसकी मास m और रेडियस r दी हुई है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग दिया हुआ है। अब आप ये बताओ कि ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है, ये डॉटेड लाइन क्या इसका डायमीटर है? ऐसा हाँ है ना, डॉटेड लाइन तो इसकी डायमीटर है, ये तो आपको दिख ही रही है। इसको मान लेते हैं, इसको लाइन को ए बी कह लेते हैं, ठीक है, दिस इज ए बी। आपको पूछा गया मोमेंट डिफरेंशियल अबाउट ए बी कितनी आएगी, ये पूछा है। फिर एक और लाइन उसने खींचा यहाँ से, ऐसा जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसको कह लेते हैं ये सी डी है, ठीक है। मोमेंट डिफरेंशियल अबाउट सी डी पूछा है कितना आएगा, और तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम, ये कितना आएगा। चौथा इसके अबाउट, ये एक एंड के अबाउट, इसके अबाउट पूछ रहा है, इसको ई एफ कह लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई एफ कितना आएगा। बताओ कहाँ से शुरुआत करोगे आप, बताओ कौन सा सबसे पहले बताओगे? सर सीडी से। सीडी तो सबसे आसान है, परफेक्ट है, क्योंकि सीडी से अगर देखोगे तो सारे एलिमेंटल मासेस सेम डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, नहीं? हाँ सर, हाँ सेम डिस्टेंस है ना, देखो आप सारे एलिमेंटल मासेस सीडी के रिस्पेक्ट में देखो तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो सारा एलिमेंटल मासेस देखो सेम डिस्टेंस पे है, नहीं है? ठीक है, तो CD के लिए अगर मोमेंट डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, MR स्क्वायर हो जाएगा ना? यस ठीक है, ठीक है। सो मोमेंट डिफरेंशिएशन अबाउट CD ये श्योर हो के आप देख सकते हैं, दिस इज m into r स्क्वायर, द रीजन बीइंग सिंस ऑल एलिमेंटल मासेस आर एट सेम डिस्टेंस r, ठीक है, ये r डिस्टेंस पे इसलिए, ठीक है। अब बताओ आप किसका निकालोगे? सीओएम वाले। कौन सा? सीओएम। सीओएम का आप निकाल सकते हैं, परफेक्ट है, ठीक है, अच्छा कह रहे हैं आप। एक बार इसका निकालते हैं, सीओएम कहाँ पे बताओ मुझे एक बार? 2r/5। गुड, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, ध्यान रखना डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाओ ताकि आपको पता चले कि आप कहां पे क्या मार्क कर रहे हो और कैसा एक्सिस चूज कर रहे हो,
आपको ऑलमोस्ट फील होगा कि उन्होंने एक्सिस कैसा चूज कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है ना एक्सिस कैसा चूज कर रहे हैं, ठीक है? तो डायग्राम आपकी एकदम नीट एंड क्लीन बनाना। ये डिस्टेंस आपने ऑलरेडी बता दिया, सही बताया आपने, 2R/π पे होता है, ठीक है? दिस डिस्टेंस इज नोन टू मी, दिस इज 2R/π, ठीक है? बताओ इसका कैसे लिखोगे आप? ठीक है, तो प्लस करोगे या माइनस करोगे? CD के अबाउट जो पता है आपको, उसमें प्लस m into 2R/π का स्क्वायर करोगे या माइनस करोगे? माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? हाँ सर, पास में आ गया। माइनस करेंगे क्यों? क्योंकि थ्योरम ये था कि किसी भी आर्बिट्री एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आपको ICOM प्लस m into d square करना है, बट यहाँ पे तो ICOM ही अननोन है, तो ICOM अननोन है, तो फिर LHS में ले जाके उसको क्या करना पड़ेगा, जो आर्बिट्री एक्सिस का पता है उसके साथ m d square सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो अब ये लिख रहे हैं, देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM and perpendicular to the plane of the ring, this will be equal to moment of inertia about CD minus of m into 2R/π and iska square kar lenge, sahi hai beta, theek hai? So this is mr square and minus of m into 2R/π and iska square ho jayega, sahi, theek hai? Ab teesra kya answer nikalo ge batao? EF ka, good, EF ka aap turant nikal sakte hain, nikal sakte hain na EF ka? Haan sir, kaise? निकालना पड़ेगा पाइथागोरस, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से लगा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 2R/π इसका होल स्क्वायर एंड फिर इसका स्क्वायर, यही है ना? हाँ सर, हाँ, ठीक है। एक अच्छी चीज नोटिस करो, कितनी आ रही है, देखो ये आ रही है आपकी, ये तो ऑलरेडी आपको पता है COM परपेंडिकुलर वाला, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर माइनस ऑफ एम इनटू 2R/π का होल स्क्वायर एंड प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम इनटू 2R/π का होल स्क्वायर। अगर आप नोटिस करोगे तो कट जा रहा है और ये बन रहा है क्या, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर विच इज 2mr² होना, समझ रही है? अब इसको कोई अगर ऐसे करता, सोचो वो बोलता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD ये हमको पता है mr² है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EF mr² प्लस mr² होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसने CD और EF के बीच में लगा दिया, क्या उसने सही किया? नो सर, सही नहीं किया, बट आंसर मैच कर गया, सही नहीं किया बट आंसर मैच कर गया, नहीं आंसर मैच कर गया, बट प्रोसेस क्या था, इनकरेक्ट था ना? समझ आ रही है? यू कैन नॉट डू दैट फॉर यू नो एनी टू आर्बिट्रेरली चोजन एक्सेस। तो इसमें मैच क्यों किया, मैच क्यों किया, ये पार्ट समझाने के लिए अब आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझाता हूँ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो एक चीज मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन के वक्त एक कंसेप्ट सिखाई थी, अगर आपको याद हो, कि जब भी एक रेगुलर पोर्शन से कुछ काट के बाहर निकाल देते हैं तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं कि हम अपनी तरफ से फिल कर रहे हैं, याद है आपको? हाँ सर, है ना? We imagine that we are filling that portion which has been deducted from there, and then फिर superposition principle लगाते हैं। तो same concept आप यहाँ पे भी use करो। अगर आप इमेजिन करो मैं अपनी तरफ से जो एक हाफ है, ठीक है, एक हाफ है उसमें दूसरा हाफ अपनी तरफ से एड कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपको दिखा रहा हूँ दूसरा तरीका, देखो आपको समझ आएगा वो क्यों मैच किया। देखो ये एक हाफ है, सॉरी ये पूरा का एक कंप्लीट रिंग बनाया मैंने, अभी दूसरा पार्ट को मिटा दूंगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, दिख रही है आपको? एक ही हाफ है, ठीक है, दूसरा हाफ मैंने डॉटेड कर दिया, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, सो दूसरा हाफ हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? बट मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से इमेजिन किया है, उसको ऐड कर दिया मैंने, ठीक है? आई एम इमेजिनिंग दैट आई हैव एडेड इट। तो अब ये बोल लो कि अगर मैं इसको पार्ट वन कह रहा हूँ, लेट अस से दिस इज पार्ट वन एंड लेट अस से दिस इज पार्ट टू, इन दोनों का कंबाइंड COM कहाँ पे, ये बताओ मुझे? ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो इसको कह सकते हैं दिस इज COM ऑफ 1+2, समझ आ रही है ना? जी सर, ठीक है। तो अब अगर सोचो, अगर मैं
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM ऑफ 1 प्लस 2 लिखा था, तो क्या मैं इसको लिख सकता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 होगा? होगा नहीं होगा? समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? दोनों पार्ट का इंडिविजुअली जो होगा बस वही तो होगा ना आपका, यू नो सम कर दिया तो आपको कॉमन मिल गया। अब एक चीज सोच के देखो, I1 और I2 दोनों सेम आएंगे नहीं आएंगे? हाँ सर। हाँ सर। आएंगे। अब अगर दोनों सेम आएंगे तो I1 I2 तो मैच करेगा ही करेगा, तो इससे ये पता चल गया कि I1 is equal to I2 and that will be equal to जो कंबाइंड मास का है, which is कितना हो जाएगा? इसका मास अगर m माना है आपने, तो इसका मास भी तो m है, तो कितना होगा? रिंग के लिए कितना होता था mr square, तो आप कितना लोगे? रिंग रिंग का मास मतलब कंप्लीट मास लेना है, तो 2m into r square ये हो गया, and इसका फिर हाफ भी तो करना होगा आपको, क्योंकि I1 plus I2 था ना, तो 2I2 हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। I hope you're getting this. Yes sir. ठीक है? हमने 2M into R square ये पार्ट मुझे मैं समझ नहीं पाया, आप और एक बार रिपीट करेंगे? हाँ कर रहा हूँ बेटा। अच्छा स्टेप बढ़ा देता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। रुको मैं इसको चेंज करो, ऐसे लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2। अभी लिख सकते हैं सर? अगर समझ आए तो हाँ बोल देना, नहीं समझ आए तो फिर लास्ट में फिर से मत बोलना कि सर रिपीट करो पूरा। हाँ सर ये समझ आ गया। ठीक है, अभी कंप्लीट रिंग के लिए आप क्या लिखते हो? मास ऑफ रिंग into r square लिखते हो या नहीं लिखते हो? इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू, हां और इसको क्या मैं सिंस i1 i2 सेम है तो क्या मैं इसको 2i1 या फिर 2i2 ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? हां सर। जिस लड़के ने डाउट पूछा था वो हां बोल दो एक बार तो फिर मुझे समझ आएगा कि वो आंसर। हां ठीक है, अब मास ऑफ रिंग बताओ मुझे कितना है, m है या 2m है? 2m। जिस लड़के ने डाउट पूछा है वो रिस्पॉन्ड कर दो। हाँ सर 2m 2m। आपको बार बार बोलना क्यों पड़ रहा है बेटा? तो 2m into r square is equal to 2i1 is equal to 2i2। तो अब i1 i2 का वैल्यू कितना हुआ? 2m into r square divided by 2 हुआ या नहीं हुआ? हाँ। तो कितना आ रहा है? m r square ही तो आ रहा है। समझ आया? समझ आया? हाँ। ये किसके अबाउट हमने कैलकुलेशन किया है? ये किसके अबाउट किया है? दिस इज अबाउट COM, है ना? अबाउट सॉरी COM तो नहीं बोलना चाहिए, अबाउट सेंटर बोलना चाहिए, अबाउट सेंटर नॉट COM। ठीक है, क्योंकि COM तो कंबाइंड रिंग के लिए है, इंडिविजुअल रिंग के लिए तो COM अलग है, है ना? हाँ सर। हाँ सर। अभी सेम कंसेप्ट से सोचो, अगर आपको एंड के अबाउट निकालना होता, ये एंड को ए कह लेते हैं, ठीक है, ये एंड को ए कह लेते हैं, तो अगर मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग अबाउट ए, कंप्लीट रिंग अबाउट ए, तो क्या इसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट ए प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पार्ट 2 ऑफ पार्ट 2 अबाउट ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हां सर। और कंप्लीट रिंग के लिए क्या हम इसको mr2 plus mr2 मतलब ट्वाइस ऑफ मास ऑफ रिंग into r square लिख सकते थे LHS में? हाँ सर। parallel axis theorem use किया, center of mass के about तो पता है mr square है, तो a वाला axis के about कितना होगा? mr square plus mr square, तो मतलब 2m of ring into r square, और ये दोनों तो same होगा क्योंकि symmetrical ही है, तो इसके लिए कितनी आ जाएगी? twice of i of a about a i of 1 about a या फिर twice of i of 2 about a, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? अब देखो ये टू ये टू ये टू कट गया एंड देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पार्ट 2 ऑफ ए एंड दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ रिंग मतलब 2m इनटू r स्क्वायर, आया है ना? समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये मैच क्यों कर रहा है आपको ये पता चल रहा है, क्योंकि दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है, जो पार्ट मिसिंग है वो भी सिमेट्रिकल है,
तो उसके सब्सट्रैक्शन से और एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो दिख रहा है आपको? वो बिहेव कैसा कर रहा है? वो एक कंप्लीट रिंग की तरह बिहेव कर ले रहा है, आपको दिख रहा है ना? क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं देखो, वो कंप्लीट रिंग के जैसे ही रिजल्ट आ रहा है ना? इसी वजह से वो मैच किया। बट वो जो, अगर कोई ये बोलता कि हमने सीडी और ईएफ के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके ये रिजल्ट निकाला है, तो वो कंसेप्ट आपका गलत होता। समझ आई? फुल रिंग के लिए, मतलब हाफ रिंग नहीं, फुल रिंग बना के आप अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो वो सही हो रहा है ना? क्योंकि फुल रिंग का सेंटर कहाँ है? ज्योमेट्रिक, सॉरी, सेंटर ऑफ मास कहाँ है? वो तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही है ना, है ना? हाँ सर। एक हाफ रिंग के लिए वो ज्योमेट्रिकल, बट एक हाफ रिंग के लिए तो वो सेंटर ऑफ मास नहीं है, इसीलिए आप वो एक्सिस थ्योरम को यूज, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को वहां पे यूज नहीं कर सकते थे। यस सर। ठीक है।